हेलो बेटा, सो आई होप यू हैव सीन द लेक्चर्स ऑफ अमेंडमेंट्स वट एवर आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अमेंडमेंट्स ऑन नेक्स्ट टॉपिक्स फॉर विच यू आर वेटिंग फॉर. ओके, तो चालू करें बेटा. ठीक है, आप अच्छे से पढ़ रहे होगे और इस बार सच में बहुत अच्छे से पढ़ो. इस बार ना ख़त्म ही करना है आपको, बस पास हो जाना है. रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं इस बार का, अच्छा लगा. आपके टाइम का भी बहुत अच्छा लगा, तो सच में अच्छे से पढ़ के ख़त्म कर दें इस बार का. ठीक है, चले स्टार्ट करें. सो दोस्तों, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट. नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट नाउ यहाँ पे ये अमेंडमेंट, मतलब वैसे ही यहाँ ये जो अमेंडमेंट है रूल 42-43 में, आपको लास्ट अटेम्प्ट में भी अप्लीकेबल थी, और थोड़ा मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ. यानी ये नई नहीं है, आपके लास्ट अटेम्प्ट में भी अप्लीकेबल थी, और यहाँ इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ. रूल 42-43, अगर आपको रूल 42-43 याद होगा, तो हमारा वो T1-T2 वाला फॉर्मूला याद है रूल 42 में. T1, T2, T3, T4, C1, C2, D1, D2. नाउ थोड़ा मैं 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ. अगर आपको याद होगा तो नाउ T1, ITC ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पजेस. T2 एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जाम सप्लाई. T3 ब्लॉक क्रेडिट. देर आफ्टर C1, C1 इक्वल्स टू T1 माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, वो बनता है C1. आर यू गेटिंग मी? और उसके बाद में उसमें से अगर T4 डिडक्ट कर दो. अब T4 क्या है? T4 था, अगर आपको याद होगा, तो IS एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जाम सप्लाई. अगर T4 डिडक्ट कर दो तो आपके पास रहेगा C2, प्योरली कॉमन क्रेडिट ऑफ I+IS. उसको हम डिवाइड करेंगे एग्जाम सप्लाई के रेशियो में. अब भाई कैसे डिवाइड करेंगे एग्जाम सप्लाई के रेशियो में? तो D1 इक्वल्स टू E/F इंटू C2. तो E मतलब वैल्यू ऑफ एग्जाम, हाँ E मतलब वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, और F मतलब टोटल टर्नओवर इन स्टेट. आर यू गेटिंग मी? तो F मतलब टोटल टर्नओवर इन स्टेट. ओके, तो ये जब वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई निकाला जाएगा, जब हम वैल्यू लेते हैं एग्जाम सप्लाई की, जैसे सेक्शन 17(3) में रीड विथ रूल 42, एग्जाम सप्लाई की वैल्यू लेते वक्त हमको 6 सप्लाईज की वैल्यू लेना पड़ेगा. मतलब एग्जाम सप्लाई के जो डेफिनेशन में आता है, एग्जाम सप्लाई के डेफिनेशन में क्या आता है बेटा? वोली एग्जाम, नील रेटेड एंड नॉन टैक्सेबल, वो तो एग्जाम सप्लाई के डेफिनेशन में आ ही रहा है. प्लस सेक्शन 17(3) के हिसाब से अगर आपने ऐसा कोई सप्लाई किया होगा जो RCM में है, तो वो भी एग्जाम माना जाता है, वो भी एग्जाम माना जाता है. दूसरा, आपने अगर कोई ऐसा सप्लाई किया जो ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़ है, तो वो भी एग्जाम माना जाता है. और तीसरा, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन इंटेंडेड फॉर सेल. आर यू गेटिंग मी? तो वो भी यहाँ पे एग्जाम सप्लाई माना जाता है. तो जब भी आप एग्जाम सप्लाई की वैल्यू लोगे, तो उसमें आप एक्साइज ड्यूटी अगर आपकी सप्लाई पे लगी है तो वो नहीं कंसिडर करोगे, वैट आप कंसिडर नहीं करोगे, या स्टेट एक्साइज आप कंसिडर नहीं करोगे. तो बेटा जहां तक देखा जाए, तो क्या अमेंडमेंट हुई थी लास्ट टाइम, वही मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ. क्योंकि देखो कैसा होता है, जब आप एग्जाम सप्लाई की वैल्यू ले रहे हो और टोटल टर्नओवर इन स्टेट ले रहे हो, नो डाउट सेक्शन 15 के हिसाब से जब भी आप वैल्यूएशन करते हो, तो 15(2)(a) के हिसाब से आपको जो है एक ऑल टैक्सेस ऐड करने पड़ते हैं, एक्सेप्ट GST वो ऐड करने पड़ते हैं. पर स्पेशली ये जो फॉर्मूला है E/F का, इसके लिए वैल्यू जो वर्ड यूज़ किया है वो सेक्शन 15 से ही होगी.
आई रिपीट, सेक्शन 15 से ही होगी, पर आप एक्साइज वगैरह कंसिडर नहीं करोगे। तो कैसा था पहले, एंट्री नंबर 84 था, अगर आपको लिखना हो तो एंट्री नंबर 84 जो है सेंट्रल एक्साइज का था, सेंट्रल एक्साइज का था एंट्री नंबर 84। और 92A पहले नहीं था, ये 92A इज न्यूली इंसर्टेड। ओके, तो ये 92A क्या था, CST के लिए। तो ओके, पहले नहीं था, शायद वो भूल गए थे, लेकिन एंट्री नंबर 92A ऑफ लिस्ट वन ऑफ शेड्यूल, तो आपको कुछ नहीं है, आपको CST भी वो वैल्यू में कंसिडर नहीं करना है जब आप EF लोगे, एक्साइज भी नहीं कंसिडर करना है, और से एंट्री नंबर 51 की और एंट्री नंबर 54 का ओके स्टेट एक्साइज और वैट भी कंसिडर नहीं करना है। यानी जब आपको ई लेना है तो विदाउट एग्जिस्टिंग टैक्सेस बिफोर GST और ऑल्सो GST नॉट टू बी कंसिडर्ड, इवन दो सेक्शन 15(2) ये कहता है कि आपको ऐड करना है। तो बस एक ही अमेंडमेंट हुई है, 92A जो वो भूल गए थे तो उन्होंने 92A ऐड कर दिया है। ठीक है, इतनी सी अमेंडमेंट जो लास्ट टाइम भी थी और अभी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में रूल 41, 42 वगैरह में ओके थोड़ा सा एक चेंज किया गया है। और क्या, जैसा आपको पता है कि GSTR2 जैसे सोचा गया था कि GSTR2, GSTR1 वगैरह ये जो है सब सिस्टम फॉलो करेंगे, पर गवर्नमेंट से वो नहीं हुआ, GSTR2 कभी भी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया। ठीक है, तो GSTR2 बेटा इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया, तो बहुत सी जगह जो GSTR2 का रेफरेंस दिया है उसको इधर रिमूव किया है या उसको डाइल्यूट किया है। जैसे ओके, मैं एक एक लाइन में आपको समझा देता हूँ। रूल 42 में जब हम T1, T2, T4 कैलकुलेट करते हैं तो ये बहुत सी जगह कहा है कि GSTR2 में आपको डिक्लेयर करना है ओके, आपको जो T1, T2 वगैरह लेना है ऑन द बेसिस ऑफ योर GSTR2। लेकिन उन्होंने अब, क्योंकि वो GSTR2 ऑपरेशन में ही नहीं है, तो उसको डाइल्यूट कर दिया है, और डाइल्यूट जो है ऑन द बेसिस ऑफ GSTR2 एट समरी लेवल इन GSTR3 भी। मतलब 2 तो रखा पर अब 2 ऑपरेशन में नहीं है, इसलिए ऐड कर दिया कि 3B में आप जो समरी देते हो उसमें भी आपको ओके जहाँ तक है ये ITC क्लेम करना है, T1, T2, T3, 4 जो भी है। तो 2 में अब जब भी आएगा, पर अब आने से रहा, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ 2 तो नहीं आएगा, तो उन्होंने थोड़ा डाइल्यूट करके आप 3B में भी समरी लेवल पे वो डेटा जो है सबमिट कर सकते हो या ले सकते हो। C3 आपका जो 42 में C3 कॉम्प्यूट होता है, C3 कैसे कॉम्प्यूट होता है बेटा, अगर आपको याद होगा, हाँ अगर याद नहीं होगा तो ये अमेंडमेंट सिर्फ सुनिएगा मत, ओके पहले ये टॉपिक पढ़िएगा और बाद में बुक सामने रखिएगा और बाद में मेरी अमेंडमेंट देखिएगा, ये कोई रिवीजन नहीं है, ये सीधा सीधा अमेंडमेंट पे डायरेक्ट डिस्कशन है। मेरी बात समझ में आई आपको, तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि आप ओके पढ़ चुके हो। तो C3 बेटा ओके, तो C3 में अगर हम देखें तो C3 कैसे बनता है, C3 इक्वल्स टू C2 जो आपका कॉमन क्रेडिट है माइनस D1 प्लस D2। तो ये जो है जो ओल्ड प्रोविजन थी, क्या प्रोविजन थी कि आपको सेपरेटली CGST, SGST, UTGST और IGST के लिए निकालना पड़ेगा। तो अब बेटा उन्होंने नया क्या लाया है कि C3, D1 और D2, पहले सिर्फ उन्होंने कहा था C3 निकाल के बताओ तीनों के लिए अलग अलग, लेकिन छोटी सी अमेंडमेंट कर दी क्योंकि वो भी भूल गए थे। तो सिर्फ C3 नहीं, C3, D1 और D2 आपको जो है ITC सबके लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, और आपके 3B में ओके और थ्रू प्रिस्क्राइब फॉर्म वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, पहले से इतना लिखा था कि C3 अलग अलग निकालो, अब उन्होंने कहा कि C3, D1, D2 ये सब अलग अलग निकालो तीनों टैक्स के लिए, CGST, SGST, IGST या UTGST, और वो आपके 3B में डिक्लेयर करो, या फिर टाइम टू टाइम कोई फॉर्म प्रिस्क्राइब किया तो उसमें आपका ये डिक्लेयर करो। इज इट क्लियर? ओके चलिए नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद में 42M में अमाउंट इक्वल्स टू एग्रीगेट ऑफ D1 एंड D2 जो लिखा है ओके टू बी एडेड, और टू बी एडेड इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी,
आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो ओल्ड प्रोविजन थी कि जो आपका D1 D2 निकलेगा, ओके, वो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन उसको अभी थोड़ा चेंज कर दिया और उन्होंने ये किया कि यहाँ पे रिवर्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन GSTR 3B और इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। हाँ, मतलब अभी जो है आपको वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड नहीं करना है। GSTR 3B में जब आप ओके ITC लोगे तो ITC से ही रिवर्स कर देना है, मतलब आपको लायबिलिटी में नहीं ऐड करना है, आपको ITC से ही रिवर्स कर देना है। आर यू गेटिंग मी? ओके, तो ये एक उन्होंने चेंज किया। उसके बाद में नेक्स्ट रूल 42 में ही एग्रीगेट अमाउंट कैलकुलेटेड फाइनली इन D1 एंड D2 एनुअल बेसिस एक्सीड्स एग्रीगेट अमाउंट इन रूल 41(1) रिस्पेक्ट D1। तो वो पहले जो वर्ड था एडेड इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट लेटर देन सेप्टेम्बर, तो एडेड के जगह रिवर्स कर दो GSTR 3B में, क्योंकि वो एडिशन वाला फॉर्म ही रेडी नहीं हुआ GSTR 2 का। तो वो उन्होंने जस्ट इतना कहा कि आपको अभी फिलहाल जब, क्योंकि GSTR 2 ऑपरेशन में नहीं है, तो अभी आप जब आप 3B फाइल करोगे तो अपने ITC से खुद ही रिड्यूस कर दो और बाकी का अमाउंट आप क्लेम कर लो। ओके, जो एनुअल बेसिस पे था, अगर आपको याद होगा तो आपको D1 D2 मंथली बेसिस पे भी निकालना है और वही D1 D2 फिर एनुअल बेसिस पे भी निकालना है। तो जब एनुअल बेसिस पे आप निकालोगे तो जो डिफरेंस आएगा, आपने मंथली बेसिस का जो एग्रीगेट दिया और एनुअल बेसिस का जो आया, उसमें जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस जो है बेटा आपको पहले सेप्टेम्बर की जो ड्यू डेट है और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ओके, तो सेप्टेम्बर के एंड तक आपको वो ऐड करना पड़ता था। अब ऐड करने के बजाय उन्होंने जो प्रोविजन रखी है वो रिवर्सल की रखी है, ठीक है। उसके बाद में 43 में अमाउंट ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज एक्सक्लूसिव फॉर नॉन बिजनेस और एग्जाम पर्पस। तो ओल्ड प्रोविजन थी कि आपको GSTR 2 में डिक्लेयर करना है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं लेना है, ओके। अब उन्होंने थोड़ा इसको डाइल्यूट कर दिया है, GSTR 2 एंड 3B। अब GSTR 2 तो नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा, तो तब तक आप 3B में डिक्लेयर करो और 3B में बताओ कि कितना है और आपको उसका क्रेडिट लेना नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट अमाउंट ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई। तो पहले आप GSTR 2 में बता के क्रेडिट लो, अब वो 2 एंड 3B में बता के आप क्रेडिट ले सकते हो। उसके बाद में जब भी आप F कैलकुलेट करोगे तो F में टोटल, पहले टोटल टर्नओवर था, अब टोटल टर्नओवर इन स्टेट वर्ड हो गया है, मतलब आपको स्टेट का टर्नओवर लेना है E/F लेते वक्त। तो F जो है वो आपको टोटल टर्नओवर मतलब क्या, तो आपके स्टेट का टर्नओवर उन्होंने वो क्लैरिफाई किया। और उसके बाद में 43 अमाउंट ऑफ TE शुड बी कॉम्प्यूटेड। TE दैट मीन्स, डू यू रिमेंबर, कैपिटल गुड्स में सबसे लास्ट TE निकलता है, ओके, ITC एट्रीब्यूटेबल टू एग्जम सप्लाई फॉर कैपिटल गुड्स, ओके। आपको याद होगा तो रूल 43 में स्मॉल ए स्मॉल बी देन कैपिटल ए TC TM TR और TE TC TM TR और TE। तो वो जो आपका निकलेगा TE, ओके, पहले था कि सेपरेटली आपको CGST SGST UT GST निकालना है, अब उन्होंने कहा सेपरेटली तो निकालना है और आपको GSTR 3B में भी डिक्लेयर्ड करना है। तो ये छोटी छोटी अमेंडमेंट जो है, ओके, GSTR 2 को थोड़ा डाइल्यूट करके या रिमूव करके 3B के साथ जोड़ दी है, ओके। तो ये आपको एक बार लिस्ट रीड कर लेना है, ओके, ये छोटी सी अमेंडमेंट किया है। वैसे एग्जाम के हिसाब से इसको प्रायोरिटी B में रखना है, ये लास्ट टाइम भी अप्लीकेबल थी और अभी भी अप्लीकेबल है, ओके। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे ITC से रिलेटेड ये प्रोविजंस जो हमने देखी, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन 20 मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ITC बाय ISD, इसमें एक बहुत छोटी सी अमेंडमेंट हुई है। वो क्या, प्रायर टू अमेंडमेंट ऐसा था कि एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20 क्लॉज सी, वैल्यू ऑफ टर्नओवर मींस सप्लाई ऑफ
taxable goods as well as goods not taxable under this act to mean the value of turnover reduced by amount of duty or tax levied under 84, 51, 54. अब सुनिए, थोड़ा मैं समझा देता हूँ. क्या आईएसडी करता क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा. आईएसडी करता क्या है ना, आईएसडी जो है यहाँ पे, ओके, आईएसडी ये जो है आपका ही रजिस्टर प्लेस होता है और वो सभी इनपुट सर्विसेज के आईटीसी एक प्लेस पे जमा करता है और बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट लोकेशन पे. लेकिन आपको याद होगा तो डिफरेंट लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त इंडिविजुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, ओके, सो जो भी इंडिविजुअल टर्नओवर है अलग अलग ब्रांचेस का डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है. पर जब आप टोटल टर्नओवर लोगे तो टोटल टर्नओवर में वहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि आप एग्जिस्टिंग अगर किसी क्योंकि टोटल टर्नओवर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कंसिडर किया जाएगा. अब नॉन टैक्सेबल सप्लाई कंसिडर किया जाएगा मतलब क्या, अब वो अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो है, ओके, अगर पेट्रोल का होगा, डीजल का होगा, अल्कोहल का होगा, तो उसके ऊपर एग्जिस्टिंग एक्साइज वैट और सीएसटी लगता है. तो वो ये कह रहे हैं कि टोटल टर्नओवर में अगर कोई ऐसा आइटम होगा जिसके ऊपर एक्साइज लग रहा होगा या कोई ऐसा आइटम होगा, क्योंकि हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी लेते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, ओके, तो ऐसा कोई आइटम होगा जो टर्नओवर में आ रहा है पर उसके ऊपर एक्साइज वैट और सीएसटी लग रहा है, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे, ओके, पहले सिर्फ एक्साइज और स्टेट एक्साइज और वैट के लिए ही प्रोविजन था, लेकिन उन्होंने अब एंट्री नंबर 92A ये ऐड किया, इट इज़ इंसर्टेड, और एंट्री नंबर 92A रिलेटेड टू सीएसटी विच इज रिलेटेड टू सीएसटी जो भूल गए थे, ओके, तो हमने जैसे ही हमने लास्ट एक अमेंडमेंट देखी जो 42-43 में भी हुई, ओके, यहाँ पे भी सेम अमेंडमेंट है कि जो सीएसटी है, ओके, वो सीएसटी भी एक्सक्लूड किया जाएगा जो वो भूल गए थे एंट्री नंबर 92A जो सीएसटी की थी जो उन्होंने करेक्ट कर दी. ये अमेंडमेंट लास्ट इसमें भी अप्लीकेबल थे. ठीक है बेटा, तो चलो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट थी प्रोसीजर से रिलेटेड. वेल बेटा, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ओके, फॉर योर एग्जाम. ओके, नाउ क्या अमेंडमेंट क्या है, देखिए आईटीसी का सेक्शन 16 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे को, बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट्स है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान से सुनो. आईटीसी का सेक्शन 16 क्या कहता है, आईटीसी का सेक्शन 16 ये कहता है कि आपकी एलिजिबिलिटी और कंडीशंस क्या रहेगी. एलिजिबिलिटी मतलब एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, आपको आईटीसी लेना है तो आप रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन एस में बी प्रिस्क्राइब. जिस तरह से आप सेक्शन 16 ओपन करके रखिएगा सामने अपने बुक में, तो 16(1) कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एस में बी प्रिस्क्राइब, मतलब आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगे और कुछ ऐसी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस के तहत आपको आईटीसी दे दिया जाएगा अगर आपने इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज किसके लिए यूज़ किया, तो आपने जो यूज़ किया वो बिजनेस के लिए यूज़ किया. फिर 16(2) होगा उसके नीचे, देख रहे हो आप मेरे साथ. 16(2) क्या कहता है, 16(2) ये कहता है कि आपको आईटीसी कुछ कंडीशंस पे मिलेगा. पहली कंडीशंस क्या, तो आपका इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी सच डॉक्यूमेंट एस में बी प्रिस्क्राइब, यानी आपका इनवॉइस डेबिट नोट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब होगा वो आपके पोजीशन में होना जरूरी है. आई रिपीट, आपके पोजीशन में होना जरूरी है. तो अब आईटीसी कौन से शर्तों पे मिलेगा,
सेक्शन 16(1) में ये लिखा हुआ है कि इन सच ए मैनर एज प्रिस्क्राइब, मतलब रूल में शर्तें दी जाएगी एलिजिबिलिटी की। दूसरा सेक्शन 16(2) में ये भी कहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे आपको ITC मिलेगा। सो गवर्नमेंट ने एक रूल ड्राफ्ट किया, रूल 36। रूल 36 में सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3 पहले से थे, वो भी मैं थोड़ा आपको पढ़ा देता हूँ। और सब रूल 4 जो है वो नया ऐड किया, सब रूल 4 नया ऐड किया। नाउ रूल 36 कहता क्या है? ठीक है, रूल 36 अगर आप देखो तो सब रूल 1, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस, मैं दो वर्ड पे ध्यान लाना चाहूँगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स होगी और आपकी कौन सी कंडीशंस पे आपको ITC मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस फॉर ITC, पहला, ये पहले भी था और अभी भी है, द इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल बाय रजिस्टर पर्सन इंक्लूडिंग ISD ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस इश्यूड बाय सप्लायर। ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट है, आपका सप्लायर जो आपको टैक्स इनवॉइस देगा उस पर आप ITC लोगे। ठीक है, दूसरा, इनवॉइस इश्यूड बाय रिसिपिएंट, रिवर्स चार्ज में अगर आप अनरजिस्टर्ड से खरीदते हो और वो गुड्स और सर्विसेज रिवर्स चार्ज में है तो रिसिपिएंट को इनवॉइस बनाना पड़ता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट है जिस पे ITC आप RCM का लेते हो। नेक्स्ट, डेबिट नोट इश्यूड बाय सप्लायर, सप्लायर जो डेबिट नोट आपको देगा, बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स IGST का ITC, रिवाइज इनवॉइस, ओके रिवाइज इनवॉइस ड्यूरिंग अनरजिस्टर्ड पीरियड, इनवॉइस चैप्टर में हमने देखा था, और डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय ISD। तो ये आपकी ITC लेने की डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट होगी। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो आपको अलग अलग केसेस में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको ITC दे दिया जाएगा। ठीक है, ITC दे दिया जाएगा। फिर सब रूल 2 क्या कहता है? इनपुट टैक्स शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर पर्सन ओनली इफ ऑल अप्लीकेबल पर्टिकुलर्स एज स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6, मतलब चैप्टर 6 मतलब इनवॉइस, वेयर एक्ट का चैप्टर 6 है, और आपको लिखना है तो लिख सकते हो चैप्टर 6, रीड विथ रूल 46, रीड विथ रूल 46, चैप्टर 6 रीड विथ रूल 46। मतलब क्या? अगर आपको ITC लेना है तो आपके इनवॉइस में जो रूल 46 में ऐसे टैक्स इनवॉइस की इंफॉर्मेशन, टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में जाके देखना, रूल 46 दिया है, अराउंड 2022 इंफॉर्मेशन आपकी वो इनवॉइस में होनी चाहिए। तो रूल 46 में दी गई वो इन्फॉर्मेशन आपके इन्वॉइस में सब कुछ होनी चाहिए, तो आपका इन्वॉइस ऑथेंटिकेट माना जाएगा और आपका ITC डिनाई नहीं किया जाएगा। ओके, तो एज कंटेन्ड इन सेड डॉक्यूमेंट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एज कंटेन्ड इन सेड डॉक्यूमेंट इज फर्निश्ड इन GSTR2 बाय सच पर्सन। ठीक है, GSTR2 ऑपरेशन में नहीं है लेकिन अभी भी वहां रखा है। ओके, कि भाई GSTR2 में आप जो इन्फॉर्मेशन फर्निश करोगे या ऑटो अपडेट होगी वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे सभी पर्टिकुलर्स आपके इन्वॉइस में होगी जो रूल 46 में चैप्टर 6 ऑफ बेयर एक्ट उसमें दिया होगा, उसके हिसाब से आप ITC ले सकते हैं। लेकिन उसमें फिर एक प्रोविजो भी इंसर्ट की गई 2018 में, क्योंकि क्या हो जाता था कि भाई GST एक नया नया लॉ है, एक तरफ आप कहते हो कि भाई उसमें सभी पर्टिकुलर्स होनी चाहिए, अब बहुत सी बार HSN नहीं होते, HSN देना भी मुश्किल हो जाता है स्पेशली स्मॉल डीलर के लिए। वैसे भी आपको याद होगा तो 1.5 करोड़ तक सप्लायर को HSN देने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट कोड देने की जरूरत नहीं है, तो बहुत सी ऐसी पर्टिकुलर्स है जो टैक्स इनवॉइस के रूल 46 में दी गई है पर यहाँ सप्लायर देता नहीं है वो पर्टिकुलर्स उसके इनवॉइस में। फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा ये होने वाला था कि भाई अगर इक्का दुक्का पर्टिकुलर्स है जो इतनी मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, HSN नहीं है, डेट में थोड़ी बहुत गलती होगी, एड्रेस के स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो ऐसी छोटी बहुत गलती की वजह से क्या ऑफिसर हमारा ITC डिनाई कर देगा जो GSTR 2A में डिक्लेयर हुआ? तो यहां एक प्रोविजो ऐड की गई और कहा ना 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 ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्या कहते हैं देखो वो प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट सेड डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन ऑल स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स बट कंटेन डिटेल्स ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड डिटेल्स ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज
टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर और रिसिपियंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, तो आपका आईटीसी डिनाई नहीं किया जाएगा। चलो भाई, आपके इनवॉइस में सभी पर्टिकुलर्स नहीं भी होगी, पर एटलीस्ट ये पर्टिकुलर्स तो भी ये सही होनी चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये कि आपको टैक्स कितना चार्ज किया गया, ओके, गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्या था, गुड्स की सर्विस की वैल्यू कितनी थी, जीएसटीएन दोनों के, सप्लाई रिसिपियन के और प्लेस ऑफ सप्लाई, एटलीस्ट ये पांच छह पर्टिकुलर्स अगर सही होगी तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। बाकी इक्का दुक्का जो गलती होगी उसके वजह से आईटीसी नहीं डिनाय किया जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद में सब रूल थ्री क्या कहता है? सब रूल थ्री ये भी कहता है, एक शर्त वो है, नो इनपुट टैक्स रेट शैल बी अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स दैट हैज बीन पेड इन परस्यूएंस ऑफ एनी ऑर्डर वेयर डिमांड हैज बीन कन्फर्म ऑन अकाउंट ऑफ एनी फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। मतलब आपके सप्लायर ने कोई फ्रॉड किया होगा जिसके वजह से आपको टैक्स नहीं लगाया या कम लगाया, या कोई विलफुल मिसस्टेटमेंट किया होगा, सप्रेस किया होगा और वह पकड़ा गया। अगर वह पकड़ा गया और ऑफिसर ने उसको डिमांड किया टैक्स का, तो वह आपको कॉल कर रहा है, देख भाई मैंने तेरे को पहले तो टैक्स नहीं लगाया था, जीएसटी भी नहीं लगाया था, पर अब ऑफिसर ने मेरे को पकड़ लिया है, वो टैक्स लगा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे वो अगर मुझे लगा रहा है तो तू मुझे, मैं तुझे पास ऑन करता हूँ, तू मुझे दे। तो ओके, गवर्नमेंट कहते हैं ना मुन्ना ना, अगर ऐसे वाले बंदे को तूने अगर दिया पैसा टैक्स का, क्यों? क्योंकि तूने उससे परचेस किया और उसने बंदे ने फ्रॉड किया है, तो तू अगर देगा तो तेरी मर्जी, तू दे दे, लेकिन तू उसका आईटीसी नहीं दे ले पाएगा, क्योंकि सामने वाले ने जो टैक्स भरा है वो जो टैक्स है वो फ्रॉड की वजह से, विलफुल मिसस्टेटमेंट की वजह से या सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से भरा है, ओके, उसका आईटीसी रिसिपिएंट को नहीं दिया जाएगा। अरे भाई चलो अच्छी बात है, ओके, यहां तक तो पुरानी प्रोविजन थी। अब ये बड़ी डेंजरस क्लॉज, ओके, निर्मला सीतारामन ने यहां बड़ी गड़बड़ कर दी ये सब रूल फोर डाल के। अब गड़बड़ क्या की सब रूल फोर डाल के? क्या इनपुट टैक्स रेडी टू बी अवेल बाय रजिस्टर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट, पहला वर्ड, ओके, रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स, डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स, ये सप्लायर्स को भी ऐसा बॉक्स करना, अंडर सेक्शन 37(1) शैल नॉट एक्सीड 20%, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 20% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट, ये एलिजिबल क्रेडिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सेक्शन 37(1). पहले तो आपके रेफरेंस के लिए लिख दो, सेक्शन 37(1) जो है वो फाइलिंग ऑफ GSTR-1 है, फाइलिंग ऑफ GSTR-1 है, GSTR-1 आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट, आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट, आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट 37(1). अब ध्यान से सुनिएगा, पहले प्रोसेस समझ लो। ये नोटिफिकेशन 49/2019 को आया, 9 अक्टूबर 2019 से अप्लीकेबल करवाया, सबको कन्फ्यूजन था कि भाई ये अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, फिर CBIC का क्लैरिफिकेशन आया और CBIC ने अच्छे ढंग से इसको समझाया, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। पहली बात तो CBIC ने ये रिस्ट्रिक्शन को बहुत अच्छी ढंग से समझाया, जो क्लैरिफिकेशन हम नीचे देखेंगे। और उसके बाद में ओके, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन ये भी कहा गया कि भाई ये अक्टूबर से ही अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन ये था कि क्या ये अक्टूबर से अप्लाई किया जाएगा या जिस दिन फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट बनेगा या फाइनेंस एक्ट की प्रोविजन एनफोर्सेबल होगी तब से एनफोर्सेबल होगा, तो कन्फ्यूजन था। लेकिन ये कन्फ्यूजन CBIC ने क्लियर किया कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं 20% के, सब रूल फोर, रूल 36 में, 36(4) आज का एक बर्निंग इशू है,
ये बहुत अच्छे से मेरे से समझ लो। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे जो है, हाँ आपका जहाँ तक देखा जाए अक्टूबर से ही अप्लीकेबल किया जाएगा। आर यू गेटिंग मी? चलिए अभी थोड़ा पहले बैकग्राउंड समझा देता हूँ और फिर ये रूल मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है बेटा? तो ये रूल कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये रूल देखो, नॉर्मल प्रोसीजर क्या है? नॉर्मल प्रोसीजर है, आपका सप्लायर है और आप रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपियंट हो जो क्रेडिट लेना चाहता है, रिसिपियंट हो जो क्रेडिट लेना चाहता है, ठीक है? तो सप्लायर क्या करता है? सप्लायर कॉमन पोर्टल पे, आपने अगर कोई गुड्स खरीदा होगा, आपने कोई गुड्स टैक्स इनवॉइस में या डेबिट नोट में, आपको डेबिट नोट मिली होगी, वैल्यू समझ लो 1 लाख, और उसके ऊपर जीएसटी एट द रेट 12%, कोई भी सप्लाई गुड सर्विस का जो भी होगा, 12,000, टोटल 1,12,000, टोटल 1,12,000, ठीक है? फिर जो है आप कॉमन पोर्टल पे जीएसटीएन जो आपका पोर्टल है, ठीक है, तो इस पे सप्लायर जो है सेक्शन 37(1) में, GSTR(1) में वह उसका सप्लाई अपलोड कर देगा, रिपोर्ट कर देगा। नौ GSTR(1) फाइल करेगा और आपका टैक्स इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड कर देगा इन योर GSTN। और वो जो है आपके GSTR2A में, GSTR2A में ITC ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ITC ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और 2A में अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है? अब मैं एक ऐसा सप्लायर जो अपडेट कर रहा है, ठीक है, आपका इनवॉइस। अब क्या हो जाता है बेटा, बहुत सी बार आप परचेस करते हो, सुनिए ध्यान से, बहुत सी बार आप परचेस करते हो पर आपका सप्लायर जो है GSTR1 में रिपोर्ट नहीं करता है, और अगर वो 37(1) में रिपोर्ट नहीं कर रहा है, विच हैव नॉट बीन अपलोडेड अंडर 37(1), इसलिए मैं दो यहाँ दो वर्ड सिंपल वर्ड कर रहा हूँ कि रिपोर्टेड एंड नॉट रिपोर्टेड, तो वो 37(1) में अगर रिपोर्ट नहीं करता है तो ऐसे सिचुएशन में वो आपका नॉट अपलोडेड ITC माना जाएगा। मतलब आपने गुड सर्विस रिसीव्ड, इनवॉइस इज रिसीव्ड, मींस सेक्शन 16(2) की आप सभी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो फॉर ITC। क्या कंडीशन है सेक्शन 16(2) की कंडीशन? पहले इनवॉइस और डेबिट नोट रिसीव्ड, यस दैट इज रिसीव्ड। दूसरी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, हाँ, आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, हाँ, उसके बाद में गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड, यस, तीसरा अब सप्लायर ने टैक्स पे किया क्या? तो अब वो बहुत डिफिकल्ट है कि सप्लायर ने टैक्स पे किया क्या नहीं किया क्या, वो आइडेंटिफाई करना। कि सप्लायर ने अगर उसका टैक्स पे किया होगा तो आप क्रेडिट ले सकते हो, अदरवाइज नॉट, ये बड़ा डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना। और चौथा, आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपका नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आप अगर ये सभी कंडीशंस पूरी करते हो तो आप ITC ले सकते हो, अदरवाइज आप ITC नहीं ले सकते। तो आपने पूरी कंडीशंस फुलफिल कर ली, पर क्या हो जाता है बेटा, सप्लायर जो है आपको जो उसने इनवॉइस दिया है या डेबिट नोट दी है वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, वो GSTR1 में अपलोड नहीं कर रहा है, ठीक है, अपलोड नहीं कर रहा है, तो उसे हम नॉन रिपोर्टेड ITC, और ऐसा ITC जो आपको एलिजिबल तो हुआ है लेकिन आपके सामने वाले सप्लायर ने GSTR1 में अपलोड न करने के वजह से आपके 2A में अपडेट नहीं हुआ है,
आपके 2A में अपडेट नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपके ITC को दो पार्ट में डिवाइड किया। मतलब आपका जो एलिजिबल ITC है, ये बंदे का एलिजिबल ITC है, ये एलिजिबल ITC, एलिजिबल मतलब उसको मिलने वाला है, उसका कोई ब्लॉक क्रेडिट नहीं है। जो ब्लॉक क्रेडिट तो हटा दिया हमने, जो एलिजिबल ITC है, ITC में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक जो अपलोड हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, अपलोडेड और रिपोर्टेड, और उसके 2A में आ गया है, और सेकंड नॉट अपलोडेड, सप्लायर ने अपलोड ही नहीं किया, और रिपोर्टेड। तो अब गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है, गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि ये रिसिपिएंट का जो इन्वॉइसेस अपलोड हो गए, रिपोर्ट हो गए, उसके 2A में अपडेट हो गए, तो उसके ITC वो 100% ले ले, ITC जो है वो 100% ले ले जो भी है, ठीक है। और जो उसके ITC रिपोर्ट नहीं हुए, उसके पास इनवॉइस आ गए, गुड्स आ गए, सर्विस आ गया, उसने पेमेंट कर दिया सब कुछ, लेकिन सामने वाला सप्लायर नालायक निकला, उसने GSTR 1 में अपडेट नहीं किया, कमॉन, उसने GSTR 1 में विद इन ड्यू डेट, एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद इन क्या, ड्यू डेट, विद इन ड्यू डेट उसने अपडेट नहीं किया GSTR 1 में एज पर 37(1). विद इन ड्यू डेट ऑफ 37(1) मतलब नॉर्मली ड्यू डेट जो है 37(1) की 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जो अभी एक्सटेंड होके 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ हुई है, ठीक है, एक्सटेंशन निकल जाएगा तो वापस 10th हो जाएगी, नॉर्मल डेट 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ है, एक दिन एक्सटेंड हो गया है। तो ऐसे केस में जो GSTR 1 की जो ड्यू डेट होगी, उस ड्यू डेट के तहत उसने वो रिपोर्ट नहीं किया आपका इनवॉइस, जबकि आपको दे चुका है वो मंथ में, पर रिपोर्ट नहीं किया, तो ड्यू डेट तक के, बाद में किया होगा उससे कंसर्न नहीं है, ड्यू डेट तक के उस मंथ का ITC अगर उसने रिपोर्ट नहीं किया होगा तो वो नॉट अपलोडेड, नॉट रिपोर्टेड माना जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या कहते हैं कि ये जो नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस है, नॉन अपलोडेड इनवॉइस है, इसका ITC हम आपको 20% ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। अब क्या होता था, ये अमेंडमेंट के पहले हम ITC पूरा ले रहे, क्योंकि पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी कि इतना लो, सिर्फ इतना चेक करो सप्लायर ने पेमेंट कर दिया क्या। ये नहीं था कि सप्लायर ने GSTR 1 में डिक्लेयर किया क्या, फिर आपके 2A में नहीं आया क्या, क्योंकि पहले एक प्रिंसिपल था जो कभी ऑपरेशन में नहीं आया, मैचिंग एंड मिसमैचिंग, और वो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट ही नहीं करवाया, नहीं तो बहुत अच्छा था मैचिंग मिसमैचिंग ढूंढने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करवाया। तो फिर ये अज्यूम था कि ठीक है भाई, सामने वाले ने 3B फाइल किया होगा तो उसने रिपोर्ट ही किया होगा, रिपोर्ट किया होगा तो मुझे ITC लेना होगा। तो यहाँ पे 9 अक्टूबर 2019 के पहले यहाँ पे सभी लोग जो है सामने वाले ने बस रिटर्न फाइल कर रहा है ना, 3B दे रहा है ना, मतलब उसने पे कर दिया होगा, उसके 2A में आए ना आए, रिपोर्ट हो ना हो, वो ITC दोनों के ले रहा है, मतलब जो 2A में आ गए उसके भी ITC ले रहा है, और जो 2A में नहीं आए, कमॉन, जो 2A में नहीं आए उसके भी वो ITC लेता था, इनवॉइस उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, कुछ कोर्ट के डिसीजन भी इस पे आए थे कि भाई इनवॉइस वगैरह सब है तो ITC ले लो, और वो सप्लायर का पेमेंट माना जाएगा। ये 20% ITC का रिस्ट्रिक्शन उन्होंने डाला, ठीक है। अब बेटा यहां पे मतलब पहले आप क्रेडिट लेते थे, और फिर अब निर्मला सीतारामन ने कहा कि देखो भाई, जो ITC यहां जो लेने वाला है, अगर उसका सप्लायर रिपोर्ट नहीं कर रहा है, अपलोड नहीं कर रहा है, तो भाई हम आपको पूरा क्रेडिट नहीं देंगे, हम आपको पूरा क्रेडिट नहीं देंगे, हम आपको 20% ही देंगे अभी। अब ये बंदा कह रहा है इसमें मेरी क्या गलती है, तो यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, वो हमें नहीं पता तेरी गलती या नहीं कह रही, ऐसे सप्लायर से तू क्यों खरीदता है कि जो अपलोड नहीं कर रहा, जाओ उसको 10 कॉल कर, उसको कह कि रिपोर्ट करे, रिपोर्ट करे तो तुझे ITC मिले। इनडायरेक्टली इसके थ्रू सप्लायर पे फोर्स था कि वो GSTR 1 प्रॉपरली विद इन टाइम फाइल करे, आर यू गेटिंग मी, ये बात समझ में आया। तो ये फोर्सफुल हो रहा है, अभी गवर्नमेंट सभी तरफ से परेशान है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, GST बराबर चल नहीं रहा है,
जीडीपी डाउन है, सब कुछ गवर्नमेंट यहाँ पे परेशान हो चुकी है। तो अब गवर्नमेंट का थोड़ा पॉलिसी फोर्स के जैसा, यानी एक कहा जाता है कि भाई अभी नाम ऐसा हो रहा है कि टैक्स टेरर चल रहा है। ओके, मैं नहीं मानता हूँ कि कंप्लीट टैक्स टेरर चल रहा है, पर हाँ गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें एनफोर्स करेगी, ऐसा करना पड़ेगा, जाओ हम नहीं सुनेंगे, ऐसा करना पड़ेगा, हमें पैसा चाहिए, पैसा ही नहीं है, जीडीपी डाउन हो रहा है, आर यू गेटिंग मी। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाला गया और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपके सप्लायर ने, सुनिएगा, अगर आपके सप्लायर ने इनवॉइस तो दे दिया होगा, गुड सर्विस दे दी होगी, आपसे पैसा भी ले लिया होगा जीएसटी का, पर उसने अगर रिपोर्ट नहीं किया होगा, GSTR1 में अपलोड नहीं किया होगा, तो हम आपको ITC नहीं देंगे, पूरा तो नहीं देंगे, 20% देंगे। और ये 20% किसका? तो 20% जो रिपोर्ट किया गया अमाउंट है, मतलब जो आपके GSTR2A में एलिजिबल ITC है, आई रिपीट, GSTR2A में एलिजिबल ITC रिपोर्ट हुआ है, उसका 20%, उसका 20%। मैं एनालिसिस करूंगा यहां पे, जैसे यहां पे बेटा आपके टोटल ITC 10 लाख है, ऐसा अज्यूम करते हैं, इसका सेम एग्जांपल आगे लूंगा, उसमें से रिपोर्ट ITC, आपका रिपोर्ट ITC 6 लाख हुआ है, अरे 6 लाख के इनवॉइस अपलोड हो गए और 4 लाख के इनवॉइस अपलोड नहीं हुए। ओके, 4 लाख के इनवॉइस अपलोड नहीं हुए तो आपका जो ITC एलिजिबल रहेगा, वो एलिजिबल ITC 6 लाख का 20%, आई रिपीट, 6 लाख का 20%, मतलब यहाँ पे आपको ये 6 लाख तो मिलना ही है, उसका 100% मिलना ही है। तो ये 6 लाख प्लस आपका जो नॉन रिपोर्टेड ITC है, नॉन अपलोडेड ITC है, ये 6 लाख का 20% मिलेगा, मतलब 1,20,000 रुपये आपको ये ITC मिलेगा, टोटल 7,20,000 रुपये ITC आपको मिलेगा। तो कितना ITC है? ओके, तो ITC एलिजिबल, एलिजिबल ये आपको जो मिलेगा, ये 7,20,000 का ITC आपको मिलेगा। और नॉन एलिजिबल ITC जो रहेगा, वो क्योंकि आप नॉन एलिजिबल ITC, मतलब क्या, मतलब वैसे तो एलिजिबल था, सिर्फ वो रिपोर्ट नहीं हुआ, तो नॉन रिपोर्टिंग की वजह से मेरा ITC जो मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ, वो रहेगा कितना रहेगा बेटा, 2,80,000 रुपये। तो 2,80,000 रुपये आपको ITC उस टैक्स पीरियड में नहीं मिलेगा, मेरी बात समझ में आई आपको, उस टैक्स पीरियड में नहीं मिलेगा। तो सर क्या ये 2,80,000 का ITC हमें कभी नहीं मिलेगा? ना 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 ना, ना ऐसा नहीं है, ये 2 लाख का ITC आपको उस मंथ में मिलेगा जिस दिन आपके बचे हुए 4 लाख के इनवॉइस अपलोड हो जाएंगे। कम ऑन, बचे हुए 4 लाख के इनवॉइस जिस जो मंथ में अपलोड हो जाएंगे, आगे कोई मंथ में आपका, आपके सप्लायर ने आपकी सुन लिया, आप उसके पीछे लग गए, अरे यार अपलोड कर इनवॉइस, अपलोड कर इनवॉइस। ओके, तो उसने आपकी सुन लिया और उसने आपकी सुनने के बाद, सुनिएगा यहाँ पे, उसने आपकी सुनने के बाद उसने कुछ 2-3 महीने बाद ओके अपलोड कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में जो मंथ में भी उसने अपलोड कर दिया, उस मंथ में आपको ITC और बचा हुआ आपका जो भी ITC है, 2,80,000 रुपये वो दे दिया जाएगा, ठीक है, पर अभी नहीं दिया जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कहती है कि तू तेरे सप्लायर को फोर्स कर, यानी रिसिपियंट को डंडा मारा है, 20% ही ITC दिया है, जो रिसिपियंट अपने सप्लायर को फोर्स करे, ओके तू अपलोड कर, तू अपलोड कर, ओके गवर्नमेंट खेल देखते रहेगा, चल बेटा लग उसके पीछे, और नाउ यहाँ पे जब वो अपलोड करेगा तो तेरा बचा हुआ 2,80,000 ITC दे दिया जाएगा। ये बेसिकली थीम समझ में आई आपको? यस, तो ये रिस्ट्रिक्शन, थोड़ा एनालिसिस तो हम करेंगे, पर ये रिस्ट्रिक्शंस डाला गया है, आर यू गेटिंग मी? तो एक बार फिर से बेटा, ओके, ये 20% जो लिया जाएगा, ये 20% 4 लाख का 20% का है या 6 लाख का 20% का है? ये जो 6 लाख है, ये 6 लाख का 20% कहा गया है, 4 लाख का 20% नहीं, इसलिए ये मिस्टेक मत करना, ये जो 6 लाख है उसका 20% का ITC आपको दे दिया जाएगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे, एक बार फिर से पढ़ता हूं, देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन अपलोडेड, मतलब मैं उसको सिंपल वर्ड में रिपोर्टेड कह रहा हूं, ओके, अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सेक्शन 37(1), आपके सप्लायर्स ने 37(1) मतलब GSTR1 में अपलोड कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उसने अगर अपलोड कर दिया होगा तो आपके GSTR2A में ऑटो अपडेट हो गया होगा, ठीक है। शैल नॉट एक्सीड्स, मतलब आपका ITC शैल नॉट एक्सीड्स 20% ऑफ इलिजिबल क्रेडिट, ओके, अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट
डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन अपलोडेड, मतलब जो डेबिट नोट या इनवॉइस अपलोड हुई GSTR 1 में और आपके 2A में ऑटो पॉपुलेट हुई, तो उसमें जो एलिजिबल था, जो ब्लॉक था वो तो हटा दिया हमने, जो इनएलिजिबल था वो तो हटा दिया, पर उसमें जो आपका एलिजिबल था वो एलिजिबल का 20% ही ITC आपको दिया जाएगा। आई रिपीट, 20% ITC आपको दिया जाएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं क्या कहूँ, क्या मत लो गवर्नमेंट के उपकार, 20% भी मत लो, जाने दो, जब इनवॉइस आएगा तब ले लेना, यानी जो अभी रिपोर्टेड नहीं है, जो अपलोडेड नहीं है, ओके अभी 20% लो। इसलिए मैंने तो मेरे वी स्मार्ट में जो है यही कहा कि छोड़ने यार, 20% नहीं चाहिए गवर्नमेंट के उपकार, हम तब लेंगे जब वो सामने वाला मेरा सप्लायर जो है पूरा अपलोड करेगा और सीना तान के कहेंगे हमने तब लिया क्रेडिट। क्योंकि कौन ट्रैक रखेगा बेटा, 20% अभी लो, बचा हुआ तब लो, ओके फिर वो मैचिंग करके दो, रिकनसाइल करके दो, ओके उसके बाद, यानी दिमाग खराब कर दिया, ओके रिकनसाइल, उसके बाद में अगर तुम्हारा कंबाइन सप्लाई होगा, एग्जम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, तो अपोर्शन, अपोर्शन में एलिजिबल ITC निकालो, ओके उसका अनरजिस्टर्ड का सिर्फ 20% लो, बड़ा मुश्किल वाला काम है। यानी इसमें तो ऐसे ऐसे अभी फ्यूचर में कन्फ्यूजन होने वाले थे, कुछ इश्यूज तो मैं लूंगा, जो इश्यूज यहाँ पे आने वाले हैं एग्जाम के हिसाब से, इतने इंपॉर्टेंट नहीं भी होंगे तो भी हम ये इश्यूज डिस्कस करेंगे, समझ में आया? तो जो बेटा आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में दिया मैंने उतना यहाँ पे लिया है अपने बुक में, लेकिन कुछ एडिशनल इश्यूज आपको लिखवा के दूंगा, ओके। तो ऐसे केस में आप जो रिपोर्ट हुआ, 6 लाख रुपए रिपोर्ट हुआ, उसका 20% तक का ही ITC आप ले सकते हो। आई मेरी बात समझ में आपको? ये नोटिफिकेशन था, इसके ऊपर नो डाउट बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो CBIC ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दिया। क्या क्लैरिफिकेशन दिया वो भी मैं लेता हूं। तो इससे रिलेटेड कुछ CBIC क्लैरिफिकेशंस आए हैं, तो ये CBIC क्लैरिफिकेशंस जो है अलग अलग इश्यूज पे और थोड़ा ये प्रोविजन को सिंप्लीफाई करने के हिसाब से आया है, तो ये CBIC क्लैरिफिकेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दिया गया है। तो हम अगर यहाँ देखें CBIC क्लैरिफिकेशंस आप डाल सकते हो सर्कुलर्स, ओके 2-3 सर्कुलर नंबर से, तो वो याद रखने की जरूरत नहीं, बस CBIC क्लैरिफिकेशन देखो। तो उन्होंने कैसे एनालाइज किया है, जो इनवॉइस और डेबिट नोट आपके अपलोड हो गए, सप्लायर अच्छा था उसने अपलोड कर दिए, तो वो केस में यहाँ पे वो इनवॉइस के पूरे ITC लो, ओके अगर आप बाकी सब कंडीशंस फुलफिल करते हो। लेकिन जो नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस है, जो सप्लायर ने अपलोड नहीं किए और आपके 2A में नहीं दिख रहे हैं, तो 20% ऑफ एलिजिबल ITC अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडेड इनवॉइस, यानी जो अपलोडेड इनवॉइस है ओके उसका 20%, उसका मतलब जो इनवॉइस अपलोड हो चुके थे 2A में दिख रहे हैं उसका 20% तक ही आपको ITC मिलेगा। हाउएवर द ITC सो क्लेम शुड नॉट एक्सीड्स, हाँ ये वाली लाइन अंडरलाइन करना, तो मैं थोड़ा अच्छे समझाऊँ। हाउएवर द ITC सो क्लेम शुड नॉट एक्सीड्स द एक्चुअल एलिजिबल ITC अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस नॉट अपलोडेड, हाँ तो जितना आपका एक्चुअल ITC है जो नॉट अपलोडेड है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैं समझाता हूँ थोड़ा इस केस को, चलो एक इलस्ट्रेशन लेके समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर विजय अ रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्स 100 इनवॉइसेस, उसके पास उसके फाइल में अपने सप्लायर से जो उसने गुड्स और सर्विसेज खरीदा उसके 100 इनवॉइसेस उसके पास आ गए फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्विंग GST 10 लाख्स, जिसका GST 10 लाख्स है, फॉर वेरियस सप्लायर्स, अलग अलग सप्लायर्स है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020, तो अक्टूबर 2020 की बात है। नाउ कॉम्प्यूट ITC दैट कैन बी अवेल बाय मिस्टर विजय इन हिज GST R3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 20 टू बी फाइल्ड बाय 20 नवंबर 2020, मतलब GST R3B जो अक्टूबर का फाइल होगा, जो 20 नवंबर 2020 तक फाइल होगा, इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस अज्यूमिंग दैट GST ऑफ ₹10 लाख इज अदरवाइज एलिजिबल फॉर ITC, मतलब ये अज्यूम करो कि 10 लाख एलिजिबल होता 100 इनवॉइस के, ओके और उसको 3B में ITC क्लेम करना है, तो वो कैसे क्लेम करेगा? केस 1, आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस 80 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग GST 6 लाख हैव बीन अपलोडेड, 100 में से आपके 80 इनवॉइस जिसमें GST 6 लाख रुपए था वो अपलोड होगा बाय द सप्लायर इन देयर रिस्पेक्टिव GST R1 फाइल ऑन प्रिस्क्राइब ड्यू डेट, हाँ फाइल ऑन प्रिस्क्राइब ड्यू डेट मतलब
सामने वाले की GSTR 1 की जो ड्यू डेट थी, तो सामने वाले की GSTR 1 की ड्यू डेट जो एक्ट में 10 दी है पर एक दिन एक्सटेंशन है, तो चलो 11 लेके चलते हैं। तो सामने वाले ने 11th को अक्टूबर का जो GSTR 1 फाइल किया होगा, 11th अक्टूबर को, ओके, वो ड्यू डेट में फाइल किया है, तो वो ड्यू डेट तक जो रिपोर्ट हो चुका है, 2-3 दिन लेट हो गया या बाद में लुआ तो वो नहीं चलेगा, वो लेट नहीं चलेगा। ड्यू डेट तक जो फाइल हुआ है 10 अक्टूबर या 11th अक्टूबर, एक दिन जो एक्सटेंशन हम लेंगे, तो वो ड्यू डेट तक जो फाइल हुआ है उस तक का ही हम रिपोर्टेड मानेंगे, ठीक है। केस वन कि 6 लाख का ITC 80 इनवॉइस, और केस टू आउट ऑफ 100 इनवॉइस 75 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग GST 8.5 लाख हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर इन देयर रिस्पेक्ट टू GSTR 1 फाइल ऑन विद इन प्रिस्क्राइब ड्यू डेट, देयरफॉर, ठीक है। तो दो केस में आपका ITC कैसे रहेगा, आंसर देखिएगा ध्यान से। एज पर सब रूल 4 ऑफ रूल 36 ITC टू बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर इन GSTR 1 cannot exceeds 20% of eligible ITC available in respect of the invoices or debit note, the details of which have been uploaded by the supplier in GSTR 1, ठीक है। तो केस वन सॉल्व करते हैं, मिस्टर विजय को अक्टूबर में वो कितना क्लेम करवाएगा बाय, ओके, और वो 20th नवंबर जब GSTR 3 भी फाइल करेगा तो कितना क्लेम कर सकता है। 80 इन्वॉइसेस जो सप्लायर ने अपलोड किए थे, 6 लाख का ITC इन्वॉल्व था, वो पूरा का पूरा 6 लाख वो ITC ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20 इन्वॉइसेस जिसमें ITC 4 लाख था, उसका वो 20% मतलब 1.2, वो 12 लाख नहीं बेटा, उसको 1.2 करना, तो उसका 1.2 लाख ही ITC वो ले सकता है। तो 20% ऑफ व्हाट, तो ये जो 6 लाख का 20%, हाँ 4 लाख का नहीं, 6 लाख का जो रजिस्टर है उसका 20% ITC वो ले सकता है, अगर वो लेना चाहे तो। मैं तो सजेस्ट करता हूँ लो ही मत, नहीं प्रेम एग्जाम में ऐसा मत करना, ओके, एग्जाम में आप जो है ओके 20% ITC दे देना, ऐसा मत लिखना, ओके, वी डोंट सजेस्ट क्लाइंट डोंट टेक द ITC, ओनली टेक द ITC इन द मंथ इन विच इनवॉइसेस आर रिसीव्ड, मतलब ये हुआ, ओके, तो यहाँ पे 7.2 का ही ITC उसने, मतलब 6 लाख प्लस 1.2, ऐसे 7.2 का ही ITC वो ले पाया। 10 लाख के बिल पड़े थे, एलिजिबल बिल पड़े थे, 7.2 ही ले पाया। तो नीचे आप लिखना है तो लिख देना ITC नॉट अवेल, तो ITC नॉट अवेल कितना हुआ बेटा, तो ITC नॉट अवेल जो हुआ 2.8 लाख, कम ऑन, ITC नॉट अवेल 2.8 लाख, उसको ITC नहीं ले पाया। लेकिन जो ITC वो नहीं ले पाया वो उस मंथ में ले सकता है जिस मंथ में ये 4 लाख के इनवॉइस जो अक्टूबर में तो अपलोड नहीं हुए, पर चलो अक्टूबर नहीं नवंबर में अपलोड हो जाएंगे, दिसंबर में अपलोड हो जाएंगे, तो जब जब भी इनवॉइस अपलोड होगे वो उसके ITC ले पाएगा। आर यू गेटिंग मी, ओके। नाउ नोट्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस अपलोडेड बाय द सप्लायर, ओके, तो देखो 6 लाख के लिए नोट वन थी कि भाई जो अपलोड हुआ उसका फुल ITC, और जो नहीं अपलोड हुआ उसका 20% ऑफ एलिजिबल ITC यानी 1.2 लाख ही आपको ITC मिलेगा। आर यू गेटिंग मी, यस और नो, तो 1.2 ही ITC आपको मिलेगा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट यहाँ पे केस टू, ITC टू बी क्लेम बाय मिस्टर विजय, ओके, केस टू में क्या था, केस टू में अगर आप देखते हो तो 100 इनवॉइसेस थे और 100 में से 75 जो है वो अपलोड हो चुके थे जिसका अमाउंट 8.5 लाख था, ओके, और बाकी अपलोड नहीं हुए। तो चलो एक टेबल बनाते हैं, 80 इनवॉइस है, 8.5 लाख जो है, ओके 8.5 लाख, ओके उसका तो पूरा क्रेडिट मिलेगा, और जो अपलोड नहीं हुए थे 20 इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुए थे, मतलब यहाँ पे जो है बेटा यहाँ चेंज आएगा, यहाँ पे यहाँ 1.5 लाख करना, बाय मिस्टेक है, ओके, यहाँ 1.5 लाख करना, अगर आपके इसमें करेक्टेड होगा तो ओके, अदरवाइज 1.5 लाख, ओके, तो 1.5 लाख के इनवॉइस अपलोड नहीं हुए थे। तो अब लॉ क्या कहता है, अब अगर आप 8.5 का 20% निकालते हो, क्योंकि लॉ क्या कहता है 20% ऑफ व्हाट द इनवॉइसेस अपलोडेड, 8.5 का 20% अगर आप निकालते हो तो 8.5 का 20% बेटा, तो 8.5 इंटू 20%,
तो वो आएगा 1.7, यानी आपका 10.2 जाएगा। अरे ये कैसा हो गया, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 8.5 प्लस 1.7 ओके, यानी आप 10.2। गवर्नमेंट कहती है बेवकूफ़ समझ के रखा क्या, जब ITC आपका 10 लाख एलिजिबल था, कम ऑन, ITC आपका 10 लाख एलिजिबल था, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको 10 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कैसे देंगे। तो फिर आपको वो सिचुएशन में जो अनरिपोर्टेड इनवॉइस का ITC है वो मैक्सिमम 1.5 लाख्स ही मिलेगा, वो 1.7 लाख्स नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आई क्या, वो 1.5 लाख्स ही मिलेगा, 1.7 लाख्स आपको नहीं मिलेगा, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अनरिपोर्टेड इनवॉइस। मतलब इसको मैं उल्टा सेंस में कहूँ तो अगर आपको पूरे 10 लाख का क्रेडिट लेना है, जो आपके पूरे इनवॉइसेस है 10 लाख का क्रेडिट लेना है, तो एटलीस्ट आपका कितने इनवॉइस अपलोड हो जाने चाहिए उस मंथ के। अगर आपको 10 लाख का पूरा क्रेडिट लेना है तो कितने अमाउंट का इनवॉइस अपलोड होना चाहिए, तो 10 लाख टेन लैक्स डिवाइडेड बाय 120 × 100, यानी 8,33,000 तक। मेरी बात सुनना, उल्टा मैं बताता हूं, 8,33,000 के इनवॉइस अगर अपलोड हो गए तो आप 10 लाख का क्रेडिट ले सकते हो। तो यहाँ इनवॉइस 8.5 अपलोड होगा तो ज़्यादा ही हो गया, तो फिर आपका क्रेडिट 10 लाख तक रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ऐसा फिक्स में बेसिस मत लेना, क्योंकि वर्ड है बेटा अप टू 20%, यानी रिस्ट्रिक्शन अप टू 20%, मतलब अगर आपका पूरा क्रेडिट लेने के लिए वो कम अमाउंट होगा तो उतना ही लो, उससे ज़्यादा मत लो, यानी इन शॉर्ट आप 10 लाख से ज़्यादा ITC नहीं ले सकते, ये उसका मीनिंग था बेटा। देखो ये ऊपर दिया है, हाउएवर द ITC सो क्लेम शुड नॉट एक्सीड्स एक्चुअल एलिजिबल ITC अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस नॉट अपलोडेड। अब एक्चुअल एलिजिबल ITC जो है, इनवॉइस नॉट अपलोडेड 1.5 लाख्स था, तो वो 1.5 लाख्स का उससे ज्यादा कैसे आप 20% ले सकते हो, मैक्सिमम उतना ही ले सकते हो। मेरी बात समझ में आई, तो ये था 10 लाख्स का ITC, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है बेटा। तो ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया रिगार्डिंग टू केस 2, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड दो केस से मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये दो केस से ये कि आपका 20% ITC जो है, वो 20% ITC आपका जो इनवॉइसेस अपलोड हुए वो अपलोड जो इनवॉइस हुए उसका 20% मिलेगा, जो रिपोर्टेड नहीं है, जैसे पहले केस में 4 लाख रिपोर्टेड नहीं था तो 4 लाख का 20% मत लेना, जो रिपोर्टेड है उसका 20% तक रहेगा, उतना तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बैलेंस जो है वो ITC इस मंथ में नहीं मिलेगा, बैलेंस ITC जो मिलेगा आपको उस मंथ में मिलेगा, जो मंथ में क्या हुआ बेटा बताइए, जो मंथ में आपके इनवॉइसेस आ जाएंगे, यहां CBIC ने क्लैरिफाई किया है। ठीक है, जो CBIC ने यहां पे रिपोर्ट किया, ठीक है। और सेकंड केस में मैंने ये कहा कि आपका जो 20% है वो आपका अनरिपोर्टेड जो ITC है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, तो अनरिपोर्टेड ITC आपका 1.5 लाख्स होगा, तो वो भी आपका 1.5 लाख्स होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग मी, येस और नो? चलिए यहाँ पे ये था रिगार्डिंग टू अनरिपोर्टेड ITC। चलिए तो यह हमारा बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स खत्म हुए, पर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हम देखेंगे। रिगार्डिंग टू दिस सब रूल 4 ऑफ रूल 36, क्योंकि बेटा मैं आपको बता दूं, आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में इतना ही दिया है, जितना दिया है मैंने उतना पढ़ा दिया है, पर अब मेरे तरफ से कुछ एडिशनल इश्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज जो है वो ब्लैंक पेज है, उस ब्लैंक पेज पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज लिखना है, ठीक है। वेल बेटा, तो नेक्स्ट पेज पे पहला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट पेज पे पहला क्वेश्चन लिखो, पहला इश्यू 1, स्पेसिफाई द केसेस, स्पेसिफाई द केसेस वेर वेर रिस्ट्रिक्शन
restriction of 20% of eligible ITC, restriction of 20% of eligible ITC, under Rule 36(4), under Rule 36(4), is not applicable. Under Rule 36(4) is not applicable. Is not applicable. In bracket, that is full ITC available, even though not reported. That is full ITC available, even though not reported. Bracket complete. Question mark. Bracket complete, question mark. हाँ, अब बेटा मैं था आपको समझाना चाहूँगा. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो क्या कहते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन उसको ही अप्लीकेबल है जो 37(1) में, यानी GSTR 1 में आपका सप्लायर अपडेट कर रहा है. तो ये 20% का रिस्ट्रिक्शन उसको ही अप्लीकेबल है. अब कुछ केस में हम अपडेट नहीं करते, 37(1) में नहीं करते. जैसे इम्पोर्टेड गुड्स, इम्पोर्टेड गुड्स पे जो आप ACD 37 IGST पे करते हो, तो वो कहां GSTR 1 में सामने वाला सप्लायर, सप्लायर तो इंडिया के बाहर बैठा हुआ है इंपोर्टेड गुड्स का या इंपोर्ट सर्विस का. इंपोर्टेड गुड्स हो या इंपोर्टेड सर्विसेस हो, आप मुझे समझ रहे हो, तो इंपोर्टेड गुड्स या इंपोर्टेड सर्विस जो है उसका सप्लायर इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, उसका कोई GSTR 1 फाइल नहीं होता है. वो तो इंपोर्टेड गुड्स होगा तो बिल ऑफ एंट्री में रिपोर्ट होता है. आर यू गेटिंग मी? ओके, इंपोर्टेड गुड्स होगा तो बिल ऑफ एंट्री के बेस पे डॉक्यूमेंट पे ITC मिलता है, और इंपोर्ट सर्विस होगी तो रिवर्स चार्ज में हम टैक्स देते हैं, तो हम टैक्स देकर ITC लेते हैं इंपोर्ट सर्विस होगी तो. तो ऑब्वियसली ये 20% का रिस्ट्रिक्शन वहां नहीं अप्लाई होगा. मतलब अगर आपके इंपोर्टेड गुड्स के ITC होगे या इंपोर्ट सर्विस के ITC होगे, तो ऐसे सिचुएशन में वहां फुल ITC लो. ओके, वहां ये डिक्लेरेशन पे मत जाओ. आर यू गेटिंग मी? उसका ITC आप फुल ले सकते हो. तो राइट डाउन फर्स्ट, सॉरी ऐसा लिखो, ऐसा लिखना, द रिस्ट्रिक्शन इज अप्लीकेबल, द रिस्ट्रिक्शन इज अप्लीकेबल फॉर द डिटेल्स, द रिस्ट्रिक्शन इज अप्लीकेबल फॉर द डिटेल्स विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर, फॉर द डिटेल्स विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर. Suppliers under section 37(1). Under section 37(1). Full stop. In following cases, in following cases, the details are not required to be uploaded. The details are not required to be uploaded. Not required to be uploaded. Under section 37(1). Under section 37(1). Hence, this restriction is not applicable. Hence, this restriction is not applicable. Write down first. ITC availed on imported goods. ITC availed on imported goods. Second, second, ITC availed on import services. ITC availed on import of services.
where tax is payable under RCM, where tax is payable under RCM. Third, ITC avail on supplies. Third, ITC avail on supplies. On supplies received from unregistered supplier. Received from unregistered suppliers. ITC avail from supplies received from unregistered suppliers which are attracting RCM. Which are attracting RCM. Which are attracting RCM. See, if you take any supply from registered supplier and under RCM, then yes, it will be reported under GSTR 2A. After payment of that, it will be reported in GSTR 2A. But if you make a purchases from unregistered person and that supply is under RCM, maybe 93 RCM and etc., then for that, okay, उसके लिए ही applicable नहीं होगा क्योंकि आपने unregistered से purchase किया तो वो कहीं upload ही नहीं होगा. अगर register से किया तो वो अपने GSTR 1 में upload कर देगा. ठीक है, वो tax नहीं देगा क्योंकि RCM में है, पर supplier GSTR 1 में upload कर देगा. Are you getting me? उसके बाद में last, ITC availed on the basis of invoices. ITC availed on the basis of invoices. Invoices of ISD. Invoices of ISD. See, ISD ये आपका ही office है. तो आपका ऑफिस है तो ऐसे सिचुएशन में बेटा, ओके, आईएसडी ने खुद ने जब क्रेडिट लिया होगा तो उसने, देखो याद करना, आईएसडी ने जब खुद ने क्रेडिट लिया होगा तो उसका ही लिया होगा जो इनवॉइस अपलोड हुए प्लस 20%. ओके, तो उसने जो इनवॉइस रिपोर्ट नहीं हुए, जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुए, उसका क्रेडिट उसने लिया ही नहीं होगा क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन उसको पहले उसको अप्लीकेबल होगा, बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट जिसको करता है उसको अप्लीकेबल होगा. तो पहली बात तो आईएसडी ने ही वो कंप्लायंसेस कर दिए होंगे, आईएसडी ने उसका क्रेडिट नहीं लिया होगा. ओके, 20% से ज़्यादा, तो जब आईएसडी आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो फिर से ये 20% का रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो चार ऐसी केसेस है, कमॉन, चार ऐसी केसेस है जहाँ ये 20% का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा. कौन सी चार ऐसी केसेस है? पहला, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स बिल ऑफ एंट्री पे मिलता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, आरसीएम जो अनरजिस्टर्ड से परचेस किया, और आईएसडी, ओके, जहां ये 20% का क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा और आप फुल आईटीसी ले सकते हो. नाउ सेकंड क्वेश्चन लिखो, सेकंड इश्यू लिखो, सेकंड इश्यू लिखो, whether registered person can take ITC not whether aisa likhna when whether ke jagah when karo when registered person can take ITC when registered person can take ITC of non-reported invoices, non-reported invoices, non-reported invoices of 80%, क्योंकि 20% हमने तो ले लिया, non-reported invoices of 80%, क्वेश्चन मार्क लिखो. क्या ये 80% का इनवॉइस आईटीसी मिलेगा ही नहीं, या आपको उस मंथ में मिलेगा जिस मंथ में इनवॉइस अपलोड हुए,
उस मंथ में मिलेगा जिस मंथ में इनवॉइसेस अपलोड हुए। तो लिखो आईटीसी, सॉरी सॉरी सॉल्यूशन लिखो, रजिस्टर पर्सन कैन टेक, रजिस्टर पर्सन कैन टेक आईटीसी ऑफ नॉन रिपोर्टेड इनवॉइसेस, आईटीसी ऑफ नॉन रिपोर्टेड इनवॉइसेस ऑफ 80%, 80% इन द मंथ, इन द मंथ इन विच, इन विच इनवॉइसेस आर, इनवॉइसेस आर अपलोडेड Invoices are uploaded by the supplier. In their GSTR1. In their GSTR1. Subject to time limit, subject to time limit of availing ITC, subject to time limit of availing ITC under section 16(4), under section 16(4). तो बेटा उसको आईटीसी मिलेगा, ऐसा नहीं है, आगे सब्सिक्वेंट मंथ में जब भी होगा उस मंथ में आईटीसी मिलेगा। लेकिन यह भी ख्याल रखा जाए कि तुम्हारा सप्लायर ने जो 16(4) का रिस्ट्रिक्शन, आईटीसी का क्या रिस्ट्रिक्शन है 16(4) का बेटा, कि भाई अगले महीने की सितंबर की ड्यू डेट और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तब तक और कि आप आईटीसी ले सकते हो, तो उसको फोर्स करना पड़ेगा कि यार कर दे अपलोड, तो मेरा बचा हुआ मैं आईटीसी ले लूंगा और कि सितंबर की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, आर यू गेटिंग मी। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये हमने देखा कि जो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो गए और आपको रिमेनिंग आईटीसी आपको उस मंथ में मिल जाएगा। तीसरा बेटा, ये जो आईटीसी है तो ये 20% जो है, 20% आपको जो कैलकुलेट करना है वो हर सप्लायर वाइज, मतलब ईच सप्लायर वाइज कैलकुलेट करना है या एग्रीगेट बेसिस पे, एग्रीगेट बेसिस पे कैलकुलेट करना है। मतलब ओके, जैसे 6-7 आपके सप्लायर्स है तो हर सप्लायर का 20, हर सप्लायर का 20, हर सप्लायर का 20 लेना है या एग्रीगेट बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो आप इश्यू 3 लिख सकते हो, इश्यू 3 लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट लिख देता हूं। द 20% रिस्ट्रिक्शन The 20% restriction of ITC is on the basis of aggregate, is on the basis of aggregate invoices of the supplier, aggregate invoices of the suppliers, aggregate invoices of the suppliers which are uploaded in GSTR1, which are uploaded in GSTR1 and not on the basis of, and not on the basis of each supplier, and not on the basis of each suppliers, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इस सप्लायर। मतलब क्या मतलब ये बेटा कि ये जो ओके इस मंथ में जो भी आपके रिपोर्टेड टोटल हो गए उसका 20%, हर सप्लायर का ऐसा 20 20 20 लेने की जरूरत नहीं है, जितना भी रिपोर्टेड होगा उसका 20%,
तक आप ITC ले सकते हो। इस सप्लायर वाइज आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे कुछ इश्यूज थे इम्पॉर्टेंट। पहले तो कहाँ कहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा, दूसरा कि हमने देखा कि आपको बैलेंस ITC उस मंथ में मिल जाएगा जो मंथ में आप यहाँ पे सप्लायर अपलोड करेगा, और ये एग्रीगेट बेसिस पे होगा। एक और पॉइंट बता दूँ बेटा, ये 20% आपका कॉमन पोर्टल ऑटोमेटिक नहीं करेगा कि भाई जो भी अपलोड हुआ फ्लैट 20%। कॉमन पोर्टल में अभी तक एडजस्टमेंट नहीं है, ये आपको खुद ही क्या जितना भी 2A में आया है उसका 20 एलिजिबल ITC है उसका 20% लेकर आपको यहाँ कंसिडर करना है। ओके, तो वाइल टेकिंग एलिजिबल ITC 20% आपको ब्लॉक क्रेडिट वगैरह हटा देना है, आपको वो पॉइंट लिखना है तो वो भी लिख सकते हो issue 4। ओके, while taking eligible ITC for calculating 20%, don't consider ITC of block credit. आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हमने देखे 20% ऑफ ITC, बट बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है बिकॉज इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम डाउट्स। जैसे जैसे लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। ओके, पर यहाँ तक, इसके आगे नहीं पढ़ना है। पर जैसे एक एग्जांपल आपको बता दो कौन सी चीज़ें सामने आ रही है कि बेटा 4 लाख का मेरा इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ था, ठीक है, उसमें से अक्टूबर में अपलोड नहीं हुआ, नवंबर में उसमें से, बेटा ध्यान से सुनो, नवंबर में उसमें से यहाँ 1 लाख का इनवॉइस अपलोड हो गया। तो अब 1 लाख का इनवॉइस अपलोड हुआ, पूरे 4 लाख का नहीं, 4 में से नवंबर में अगले महीने में 1 लाख का इनवॉइस अपलोड हो गया, तो अब मैं कैसे निकालूँ प्रोपोर्शनेट? प्रोपोर्शनेट मतलब कि अब वो 1 लाख में से प्रोपोर्शनेट मैंने 20% ले लिया होगा और बाकी का नहीं लिया होगा, तो फिर वो कैसे निकालना, क्या निकालना, इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं, पर हमारे स्टैट्यूटरी अपडेट्स में नहीं दिए उन्होंने। ओके, पर अभी हमें उतना डिटेल में भी नहीं जाना है, जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज है हमने ले लिए, देखते आगे क्या होगा, बस इतना ही हमें पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये था। अभी एक और इश्यूज क्या कि मेरा एक सप्लायर है बेटा, एक मेरा सप्लायर ने, ठीक है, 11 वैसे तो एक्ट में 10 दिया है, एक दिन का एक्सटेंशन अभी जो टेम्प्रेरी मैं बता देता हूँ, 11 को GSTR 1 जो था वो GSTR 1 में अपलोड नहीं किया, उसने 13 को फाइल किया GSTR 1 और उसमें अपलोड किया, अब 2 दिन बाद जस्ट फाइल किया और उसमें अपलोड किया, सॉरी मुझे नहीं मिलेगा ITC। क्यों? क्योंकि जिसने ड्यू डेट में GSTR 1 दिया होगा बस वही मेरा अपलोडेड माना जाएगा, जिसने 2-3 दिन लेट दिया होगा तो वो अपलोडेड नहीं माना जाएगा बेटा, यही डेंजरस क्लॉज है। और गया फिर, अब वो 3 दिन बाद भी अपलोड कर रहा होगा तभी मुझे, अभी अक्टूबर के लिए तो जब 20 नवंबर को 3B दूंगा तो मुझे सिर्फ उतना ही मिलेगा, बाकी का जो है, ओके, उसने 3 दिन बाद अपलोड किया तो मैं नवंबर में क्लेम करूंगा, नवंबर की ड्यू डेट आएगी दिसंबर, तो दिसंबर में क्लेम करूंगा, पर अभी क्लेम कर ही नहीं सकता। तो ये कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज है, आर यू गेटिंग मी? तो चलो जो भी है ये हमने डिस्कस किया बेटा रिगार्डिंग टू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने यहाँ डिस्कस किया, अब किस फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछ ले आई डोंट नो, पर कंसेप्चुअली जो है हमने यहाँ डिस्कस किया, हो सकता है एक बड़े प्रॉब्लम में छोटी एडजस्टमेंट डाल दी है या इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ ले, ओके, किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी ITC की अमेंडमेंट्स। ओके, यहाँ पे 20% वाला रूल, 36(4) वाला, ठीक है बेटा। वेल, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, सो पेमेंट ऑफ टैक्स में यहाँ पे 2 अमेंडमेंट हुई है, यहाँ जैसे रूल 87 में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको अगर पता होगा
इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है हम यूज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड विद इन सच टाइम एस मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब यहाँ पे जो है हम क्रेडिट लेजर जो है बेटा, अगर आपको याद होगा तो हम क्रेडिट लेजर सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल पे यानी GSTN पोर्टल पे जो ये लेजर बनता है, ठीक है। तो हम जो है क्रेडिट लेजर सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैश लेजर जो है आप जो यूज़ करोगे मे बी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर अमाउंट पेबल। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन था, और वो रिस्ट्रिक्शन था कि जो हेड में आपने पैसा डाला है उसी हेड के पेमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मतलब IGST का पेमेंट, मतलब IGST के टैक्स हेड में इंटरेस्ट पेनल्टी फीस या अदर, तो जो हेड में आपने पैसा डाला उसी हेड के पेमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आर यू गेटिंग मी? जैसा आपने अगर टैक्स में ये हेड में पैसा डाला है तो वो IGST के पेमेंट के लिए ही आप यूज़ कर पाओगे। अगर आपने कैश लेजर में पैसा डाला है वो आप CGST, SGST और UTGST के लिए नहीं यूज़ कर पाओगे। दूसरा, सिर्फ मेजर हेड तो रिस्ट्रिक्टेड है ही, माइनर हेड भी रिस्ट्रिक्टेड है भाई। अब ये माइनर हेड रिस्ट्रिक्टेड है मतलब क्या? माइनर हेड में अगर आपने टैक्स में अमाउंट डाला तो टैक्स का अमाउंट आप टैक्स के लिए ही यूज़ कर सकते हो, इंटरेस्ट पेनल्टी या अदर पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड, आपने जो हेड में पैसा डाला उसी हेड के पेमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आई बात समझ में? ओके। इसमें एक नोटिफिकेशन आया, और ये नोटिफिकेशन क्या कहता है देखिए, नोटिफिकेशन के वर्डिंग्स पढ़ता हूँ। अ रजिस्टर पर्सन ऑन कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और फीस और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर द एक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स और सेस इन द फॉर्म GST PMT 09। हाँ, अब क्या होगा, क्या हुआ, लोगों की बहुत सी बार ये रिक्वेस्ट मतलब गलती हो जाती थी। कुछ एक्सेस पैसा IGST में डाल दिया, CGST SGST में कम डाला, या CGST SGST में ज़्यादा डाल दिया, IGST में कम डाला। ओके, तो IGST में कम डाला, तो ऐसे सिचुएशन में अब IGST में गलती से डाल दिया या इंटेंशनली डाल दिया, कि पता कि भाई चलो इस बार इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो IGST में ज़्यादा डाल दिया, ठीक है, CGST SGST में कम डाल दिया, पर पता चला कि अरे यार उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? CGST SGST का पेमेंट ज़्यादा हो गया, IGST का कम हो गया, तो बात तो उल्टी चली गई। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सी बार मेरे पास भी ये क्वेरी आती थी, और क्वेरी ये आती थी कि सर ये बताइए कि अब क्या करें हम। ये तो बताइए करें क्या, क्योंकि CGST SGST में ज़्यादा पैसा डाला हुआ है और IGST का पेमेंट आ रहा है, या फिर अननेसेसरी टैक्स कॉलम में पैसा पड़ा हुआ है और इधर इंटरेस्ट पेनल्टी टैक्स लग रहा है जो हमको वापस से ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने कहता था कि कुछ नहीं कर सकते, आपका ही पैसा है पर कुछ नहीं कर सकते, आपको IGST का रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, पर ये तो अभी कैश लेजर में आपको इमीडिएट डालना ही पड़ेगा। मतलब अननेसेसरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, अननेसेसरी ब्लॉक हो रहा है ना वर्किंग कैपिटल। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन लाया, और ये नोटिफिकेशन से कहा कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के, यहाँ पे सुनिए ध्यान से, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट, ये आप ट्रांसफर कर सकते हो टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर IGST, CGST, SGST, UTGST और सिस। थोड़ा मैं इसको एनालाइज करना चाहूँगा, और वो एनालिसिस क्या करना चाहूँगा, ध्यान से देखो। ट्रांसफ़र करते वक्त आप एक जैसा, अब आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब आप जो है टैक्स का इसमें एक्सेस पड़ा होगा तो ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो,
या इंटरेस्ट पेनल्टी फीस भी आपका एक्सेस पड़ा होगा कैश लेजर में, तो वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन ट्रांसफ़र करते वक्त आप जो है यानी जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर सम, आप सिर्फ ये जो है टैक्स में ही ट्रांसफ़र कर पाओगे, अदर इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट का एक्सेस पड़ा हुआ आपका, तो इंटरेस्ट का आपका टैक्स में ही ट्रांसफ़र होगा। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। या पेनल्टी का भी जो है वो सिर्फ टैक्स में ट्रांसफ़र होगा, फिर वो CGST, SGST, UTGST हो या यहाँ पे कोई फीस हो तो वो सिर्फ टैक्स में ही ट्रांसफ़र होगा। वो एक इंटरेस्ट का दूसरे इंटरेस्ट में आया, एक पेनल्टी का दूसरे पेनल्टी या टैक्स इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब ये जो अमाउंट है इंटरेस्ट पेनल्टी फीस, अगर ये शिफ्ट करनी है तो टैक्स में शिफ्ट हो सकती है या एक टैक्स दूसरे टैक्स में शिफ्ट हो सकता है। इसके लिए आपको जो है फॉर्म देना पड़ेगा और वो फॉर्म होगा PMT 09। आई रिपीट, फॉर्म होगा PMT 09। इस फॉर्म में आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट देने के बाद आप एक टैक्स जो माइनर हेड का है दूसरे मेजर हेड का है दूसरे मेजर में ट्रांसफ़र कर सकते हो, या आपको इंटरेस्ट पेनल्टी कहीं शिफ्ट करना है तो आप ये भी शिफ्ट कर सकते हो। आई बात समझ में आपको? पर इसके लिए PMT 09 आपको फाइल करना पड़ेगा। तो ये था बेटा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यहाँ पे अमेंडमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट एक ये दूसरी अमेंडमेंट रूल 87 में हुई, और रूल 87 में दूसरी अमेंडमेंट क्या हुई? हाँ, ये पहला तो आपको समझ में आ गया ना बेटा कि आपको नोट लिखना है तो लिख देना कि इंटरेस्ट पेनल्टी और फीस, अगर आपको यहाँ नोट लिखना है तो लिख देना कि इंटरेस्ट पेनल्टी फीस कैन नॉट बी शिफ्टेड, ओके सॉरी, इंटरेस्ट पेनल्टी फीस कैन बी ट्रांसफर्ड इन टैक्स, कैन बी ट्रांसफर इन टैक्स, इंटरेस्ट पेनल्टी फीस कैन बी ट्रांसफर्ड इन टैक्स कैन बी ट्रांसफर इन टैक्स बट कैनॉट बी ट्रांसफर इन अनादर माइनर हेड ऑफ बट कैनॉट बी ट्रांसफर इन अनादर माइनर हेड ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टीज और फीस, अनादर माइनर हेड ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और फीस। ठीक है, ये पूरा पहले की अमेंडमेंट थी। नेक्स्ट सेकेंड अमेंडमेंट, दो तीन लाइन है, अगर कुछ स्टूडेंट्स के बुक में प्रिंट नहीं हुआ होगा, कहीं मिस्टेक होगी हमारे प्रिंटर से वो फाइल लेने में, फिर हमने करेक्ट करवाया, लेकिन अगर आपके इसमें प्रिंटेड होगा तो ओके, अगर ये प्रिंट नहीं हुआ होगा तो ये लिख लेना दो लाइन। ठीक है, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है। एनी अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51 और कलेक्टेड अंडर सेक्शन 52 एंड क्लेम इन GSTR 2 बाय रजिस्टर ऑफ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम होम द सेड अमाउंट वॉज डिडक्टेड और एज द केस में बी कलेक्टेड शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अंडरलाइन क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। चलो मैं बताता हूँ, जैसे क्या हुआ कि कोई सप्लायर है और कोई सप्लायर जो है गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को कोई सप्लाई कर रहा है, हो सकता है सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेस है, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेस है। तो ये क्या करता था, ये यहाँ पे TDS डिडक्ट कर रहा है इस बंदे का। समझ लो वैल्यू जो है, वैल्यू 1 लाख है, ओके सॉरी 3 लाख ले लेता हूँ, वैल्यू 3 लाख है और GST उसके ऊपर एट द रेट 12% जो है, तो GST 12% यहाँ 36,000 है। ठीक है, अगर किसी भी सप्लायर ने गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को सर्विस दिया तो नाउ यहाँ पे गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो है उसका TDS डिडक्ट करेगी, और ये TDS डिडक्ट करके यहाँ TDS यहाँ 2% के हिसाब से, ओके CGST 1%, SGST 1%, ओके ये TDS डिडक्ट करेगी, और TDS जो है ये डिडक्ट करके डिपॉजिट करेगी। तो जहाँ तक देखा जाए तो 3000 और ये 3000 यानी 6000 आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा और वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो डिपॉजिट किया जाता था TDS सप्लायर के GST इन पे
या टीसीएस ले लो, सेक्शन 52 का टीसीएस 0.5 0.5%। आप टीसीएस ले लो तो वो टीसीएस जो भी डिपॉजिट किया जाता था, ओके, तो वो डिपॉजिट करने के बाद ये कॉमन पोर्टल पे उसका रिटर्न या स्टेटमेंट फाइल करते थे। तो 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ को कॉमन पोर्टल पे जीएसटीएन पोर्टल पे यहाँ उसका ओके बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ ये टीडीएस या टीसीएस का रिटर्न या स्टेटमेंट फाइल होता था, रिटर्न और स्टेटमेंट। अगर टीडीएस होगा तो रिटर्न और टीसीएस होगा तो स्टेटमेंट फाइल होता था। और फिर कॉमन पोर्टल क्या करता था, कॉमन पोर्टल सप्लायर, ओके, पहले प्रोसीजर क्या थी, कॉमन पोर्टल सप्लायर के जीएसटीआर 2 में उसको अपडेट करता है। और जीएसटीआर 2 में अपडेट करने के बाद जैसे ही सप्लायर ने उसको अप्रूव कर दिया तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में यहाँ पे वो अपडेट हो जाता है, ओके, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाता था, ओके, सप्लायर के। और फिर वो टीडीएस और टीसीएस, ओके, सो ये टीडीएस या काटा हुआ टीसीएस उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाता था। लेकिन अब क्या हुआ बेटा कि जीएसटीआर 2 ऑपरेशन में नहीं है, आपको याद है, तो जीएसटीआर 2 ऑपरेशन में नहीं है। अगर जीएसटीआर 2 ऑपरेशन में नहीं है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे, ओके, अब जो है डायरेक्ट इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ओके, अपडेट हो जाएगा। और ये जीएसटीआर 2 जो है उन्होंने रिमूव कर दिया है। पहले होता था कि जीएसटीआर 2 में अपडेट होगा और अपडेट होने के बाद, ओके, यहाँ पे फिर वो कैश लेजर में आएगा। नाउ अब वो डायरेक्टली ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ओके, अब वो जीएसटीआर 2 के मोड से नहीं ट्रांसफर होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे और कॉमन पोर्टल पे बेटा एक स्टेटमेंट अब आपका आ जाता है ये सप्लायर कि उसका टीडीएस टीसीएस जमा हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले जीएसटीआर 2 में पता चलता था, मतलब 2A में अपडेट होके 2 में आता था। लेकिन अब एक टैब आ गया है, आप देखोगे तो कॉमन पोर्टल पे कि टीडीएस एंड टीसीएस अपडेटेड, कितना टीडीएस और टीसीएस अपडेट हुआ है, और कि उसका टैब आ जाता है। बस ये छोटी सी अमेंडमेंट हुई है कि यहाँ पे डायरेक्ट अब जीएसटीआर 2 से ना आते हुए डायरेक्टली वो अपडेट कर दिया जाएगा। आर यू गेटिंग मी? ओके, तो ये था, ओके, रूल 87 की पेमेंट ऑफ टैक्स पे अमेंडमेंट। नाउ नेक्स्ट पेज पे अगर आप आओगे, हाँ, तो नेक्स्ट बेटा टीडीएस एंड टीसीएस सर्टिफिकेट, जैसा टीडीएस टीसीएस में करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट हुई है, जैसा मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि जीएसटीआर 2 में अपडेट होगा और जीएसटीआर 2 में अपडेट होके आगे जो है वो कैश लेजर में अपडेट होगा। तो सेम सिमिलर अरेंजमेंट टीडीएस और टीसीएस में किए, बाकी कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है। जैसे आपको टीडीएस सर्टिफिकेट वगैरह तो देना पड़ेगा, और रिटर्न जीएसटीआर 7 में जो डिडक्टर है, डिडक्टर जीएसटीआर 7 में, ओके, रिटर्न देगा, तो रूल 66 के हिसाब से डिडक्टर जो है जीएसटीआर 7 में रिटर्न देगा। अब अमेंडमेंट क्या हुई, उसने जो भी यहाँ पे टीडीएस काटा, कम ऑन, टीडीएस काटा, वो सामने वाले के डिडक्टी के जीएसटीआर 2A में और 4A में जाएगा ऑन कॉमन पोर्टल। लेकिन अब ये रूट ही बंद कर दिया है, अब वो जीएसटीआर 2A की प्रोसेस क्या होती थी, जीएसटीआर 2A में जाके फिर 2 में अपडेट होता था, और 2 में अप्रूवल होने के बाद आपके कैश लेजर में आता था। यानी ऊपर के डायग्राम में अगर हम बात करें जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो इसमें सिर्फ आप डायग्राम में अगर निकाला होगा तो एक ऐड कर देना, और के ऑटो अपडेट जीएसटीआर 2A में होता था, और ये ऑटो अपडेट होने के बाद जीएसटीआर 2 में आपको कंफर्म करना पड़ता था, और जीएसटीआर 2 में कंफर्म होने के बाद वो आपके ई कैश लेजर में, ओके, जमा होता था। ठीक है, तो पहला स्टेप ऑटो अपडेट होना, फिर जीएसटीआर 2 में आपने उसको कंफर्म करना, और फिर ई कैश लेजर में। लेकिन अब ये दोनों रूट बंद हो गए हैं और अब डायरेक्ट ये पैसा आपके कैश लेजर में जमा होगा। तो करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट जो है बेटा उन्होंने यहाँ पे
इधर भी की है टीडीएस में कि अब वो आपके जीएसटीआर 2A और 4A में नहीं दिखेगा। ओके, आपके कैश लेजर में डायरेक्ट जमा हो जाएगा। ओके, तो यहां से उतना पार्ट ओमिट कर दिया गया है। सेम फॉर टीसीएस, टीसीएस के लिए भी देखोगे तो टीसीएस के लिए भी उन्होंने यहां पे जो है आपके जीएसटीआर 2A 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट ओके टीडीएस और टीसीएस में उन्होंने की है। बस इतनी ही अमेंडमेंट हुए, बाकी प्रोविजन सेम है। आर यू गेटिंग मी? बाकी प्रोविजन सेम है, बस इतनी ही अमेंडमेंट टीडीएस और टीसीएस में करस्पॉन्डिंग किया गया है। तो उधर सप्लायर के एंगल से देखा जाए तो सप्लायर के एंगल से ये कह दिया गया कि आपके कैश लेजर में आ जाएगा, और इधर जो टीडीएस टीसीएस काट रहा है, टीडीएस और टीसीएस में जब भी रिटर्न जाएगा जीएसटीआर 7 का 10 तारीख तक, तो वो रिटर्न जब जाने के बाद ओके यहाँ पे 2A में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा डिडक्ट, ठीक है, और ना 4A में रिफ्लेक्ट होगा, वो उनके डायरेक्ट कैश लेजर में जमा किया जाएगा। सेम फॉर टीसीएस, टीसीएस भी जो है ओके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट उनके कैश लेजर में जमा कर दिया जाएगा। पेज बहुत बड़ा है, पर अगर अमेंडमेंट कहो तो दो लाइन की है, वो दो लाइन की मतलब ये और ये, बाकी प्रोविजन एग्जैक्टली सेम है। आर यू गेटिंग मी? तो ये था ओके अमेंडमेंट्स इन पेमेंट ऑफ टैक्स टीडीएस एंड टीसीएस। वेल, सो बेटा एक ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट रूल 12(1)(a) में हुई है। ये अमेंडमेंट जो रूल 12(1)(a) में हुई है, ये अमेंडमेंट स्पेशली टीसीएस कलेक्टर इन द स्टेट who does not have a physical presence in that state, जैसे थोड़ा मैं आपको ये अमेंडमेंट बताना चाहता हूँ। हम ECO लेते हैं और यहाँ ECO Amazon, और आपको अगर प्रोसेस पता होगी सो सप्लायर और रिसिपियंट, ओके, सप्लायर और रिसिपियंट, सप्लायर जो है अपना गुड्स जो बेच रहा है थ्रू ECO बेच रहा है, ओके, थ्रू ECO सेल कर रहा है, और यहाँ ECO सेक्शन 52, और यहाँ जो है बेटा पेमेंट Amazon को जा रहा है, ओके, कंसिडरेशन Amazon को पे हो रहा है, क्योंकि ECO का जो TCS का कंसेप्ट है ये तभी अप्लाई होता है अगर पेमेंट जो है यहाँ पे Amazon को जा रहा होगा। आर यू गेटिंग में? तो ये पेमेंट Amazon को जा रहा होगा तो वो केस में जो है यहाँ TCS की प्रोविजन अप्लाई होती है। नाउ अब Amazon गवर्नमेंट को यहाँ पे TCS पे करेगा, TCS का रेट है CGST 0.5%, SGST 0.5%, या हम बात करें IGST तो IGST 1%, तो इतना TCS उसके पे करना पड़ेगा। नाउ अब यहाँ अज्यूम करते हैं कि ECO का हेड ऑफिस जो है वो मुंबई है, ओके, हेड ऑफिस मुंबई है, तो उनका जो फिजिकल प्रेजेंस है वो मुंबई में है। आर यू गेटिंग मी? तो उन्होंने अपना हेड ऑफिस मुंबई में रजिस्टर करवाया है क्योंकि उनका फिजिकल प्रेजेंस मुंबई में है। जैसा आपको पता है GST में रजिस्ट्रेशन प्रीमाइस वाइज किया जाता है, जहाँ आपकी प्रीमाइस है उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अब Amazon की प्रीमाइस समझ लो, हेड ऑफिस अज्यूम करते हैं मुंबई में है, तो मुंबई में उनके प्रीमाइस का हेड ऑफिस का रजिस्ट्रेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब समझ लो सप्लायर, अब सप्लायर यहाँ का एग्जांपल लेते हैं, ये सप्लायर जो है MP का है और रिसिपिएंट भी MP का है, आई रिपीट, रिसिपिएंट भी MP का है, पर ये सप्लायर जो MP का है वो गुड्स बेच रहा है ECO के थ्रू जिसका हेड ऑफिस मुंबई है, और नेक्स्ट यहाँ पे रिसिपिएंट भी MP में है। तो अब सवाल ये है कि ECO जो TCS काटेगा इस सप्लायर का जो TCS काटेगा वो यहाँ पे IGST तो नहीं काटेगा, क्योंकि ये सप्लाई जो हुआ है इन दोनों के बीच में वो इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ है, तो इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ है तो यहाँ जो लगेगा वो CGST और
एसजीएसटी लगेगा क्योंकि एमपी के एमपी में सप्लाई हुआ है, ठीक है, अमेजोन के थ्रू हुआ है पर सप्लाई तो एमपी के एमपी में हुआ है, तो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है ईसीओ के लिए, ईसीओ के लिए प्रॉब्लम ये है बेटा कि जब ईसीओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ओके, जब ईसीओ टीसीएस काटेगा तो टीसीएस उसे वो एमपी के सप्लायर का काटना पड़ेगा, मतलब उसे सीजीएसटी जो है और एसजीएसटी जो है, तो ये जो एसजीएसटी है ये तो एमपी का देना पड़ेगा, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एमपी का उसको यहाँ पे अपने रिटर्न में अपने स्टेटमेंट में डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे अगर वो एमपी का डिक्लेयर कर रहा है पर एमपी में उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो अगर एमपी में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो स्टेट का टीसीएस डिपॉजिट ही नहीं कर पाएगा। अगर आप ओके यहाँ पे स्टेटमेंट देखोगे, जो मंथली स्टेटमेंट ईसीओ को देना है तो उसमें वो डिपॉजिट ही नहीं कर पाएगा। ये उन्हें बड़ी दिक्कत जा रही थी ईसीओ को, ईसीओ को मेन दिक्कत ये जा रही थी कि उन्हें, उनको जो सीजीएसटी और एसजीएसटी 0.5% टीसीएस काटना है वो एमपी का काटना है, ओके, और एमपी का काट के डिपॉजिट करना है। अब एमपी का काट के डिपॉजिट करना है तो अब एमपी का डिपॉजिट कैसे करें, क्यों, क्योंकि उनका जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, एमपी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, उन्होंने तो मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो इस बात का ध्यान रखा गया, आई नीड योर अटेंशन, इस बात का ध्यान रखा गया। और बेटा यहाँ पे व्हाट दे डिड, ओके, यहाँ अब रूल, ये जो रूल इंट्रोड्यूस हुआ, रूल 12 वन ए, ये रूल 12 वन ए सिंपल वर्ड में क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, रूल 12 वन ए सिंपल वर्ड में ये कहता है यहाँ कि ये जो ईसीओ है, आर यू गेटिंग मी, ये जो ईसीओ है, ये ईसीओ ओके रजिस्ट्रेशन करवाएगा एमपी में विदाउट शोइंग द एड्रेस ऑफ एनी प्रीमाइसिस, क्योंकि उसका एमपी में कोई प्रीमाइसिस नहीं है, इसलिए बिना प्रीमाइसिस का वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये पहली बार ऐसा है कि जहाँ विदाउट प्रीमाइसिस का रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया है, अदरवाइज जीएसटी में रजिस्ट्रेशन प्रीमाइस वाइज ही होता है, ओके, अगर मेरी अलग अलग स्टेट्स में प्रीमाइस है या सेम स्टेट में एक से ज़्यादा प्रीमाइस है तो ऐसे सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन तो प्रीमाइस वाइज ही करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे ईसीओ का कोई फिजिकल प्रेजेंस जो है वो फिजिकल प्रेजेंस एमपी में नहीं है, अगर ईसीओ का कोई फिजिकल प्रेजेंस एमपी में नहीं है तो भाई हम रजिस्ट्रेशन किस बात का ले, आई बात मेरी समझ में, आप रजिस्ट्रेशन किस बात का ले। तो ऐसे केस में अब जो है इनको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ईसीओ का REG07, तो REG07 में यहाँ पे दो पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए में और पार्ट बी में। तो अब वो क्या कर पाएंगे, तो वो अब बिना फिजिकल प्रेजेंस का भी एमपी में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और पार्ट ए में वो स्टेट बता दे, पार्ट ए में यहाँ पे ओके स्टेट बता दे कि कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन चाहिए, और पार्ट बी में अब एड्रेस क्या बताएगा, तो वो एड्रेस जो है ओके जैसा उसको एमपी में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो वो एमपी में रजिस्ट्रेशन लेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि एड्रेस क्या बताएगा, तो एड्रेस उसके एचओ का यानी मुंबई का वो एड्रेस उसमें दे देगा पार्ट बी में ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन। ये एक अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुआ है, तो आपको थोड़ा पीछे समझ में आया होगा कि ईसीओ को काटना है सीजीएसटी और एमपीएसजीएसटी और वो वहाँ डिपॉजिट करना है उनका टीसीएस। अब उनका जो टीसीएस डिपॉजिट करना पड़ेगा तो वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं, उन्हें ये टेक्निकल दिक्कत जा रही थी। अब उनका ये कहना था कि भाई सिर्फ टीसीएस काटने के लिए हम वहाँ प्रीमाइस नहीं बनाएंगे, हम मानते हैं कि भाई यहाँ जीएसटी जब कटता है ओके सॉरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जब लिया जाता है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिखते वक्त प्रीमाइस चाहिए, पर अब हमारी प्रीमाइस नहीं तो हम करें क्या, और स्पेशली रजिस्ट्रेशन के लिए प्रीमाइस जो है वो प्रीमाइस वहाँ बनाए, ये किस बात का, अरे यार ये तो आप अननेसेसरी बर्डन दे रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो है ओके विदाउट फिजिकल प्रेजेंस वो स्टेट में रजिस्ट्रेशन दे दिया ओनली ईसीओ, पहली बार ऐसा हुआ कि ईसीओ का रजिस्ट्रेशन दे दिया। और बेटा नेक्स्ट यहाँ पे ओके इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि नाउ बी जो है ओके बी पार्ट में आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बी पार्ट में आपको जो है आपके हेड ऑफिस यानी महाराष्ट्र मुंबई का भी एड्रेस दिया तो भी चलेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन एमपी में मिलेगा और एड्रेस आपने महाराष्ट्र का दिया तो भी चलेगा। आर यू गेटिंग मी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ओके यहाँ पे फैसिलिटी मिली है। देखो व्हेन अ पर्सन इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन टू कलेक्ट टीसीएस इन अ स्टेट
or union territory where he does not have physical presence, underline, where he does not have physical presence, he shall mention the name of said state or union territory in part A. OC part A, okay, in prescribed application, that is REG 07, okay, उसके registration application जो होगा उसके part A में यहाँ पे वो कौन से state में registration चाहिए वो बता दे. Further, the name of state or union territory in which his principal place of business is located, it should mention in part B. और उसका जो principal place of business है, example लो मुंबई, तो मुंबई जो उसका principal place of business है, तो principal place of business part B, application form के part B में बता दे, तो वो case में उसे registration दे दिया जाएगा. और state or union territory, okay, in part A or part B may be different. Obviously, बेटा, okay, part A में हमने MP में लिया registration, लेकिन part B में हमने address जो दिया, कहाँ का दिया address बेटा? Okay, महाराष्ट्र का दिया, तो दोनों states अलग-अलग हो सकते हैं. Are you getting me? Yes or no? Okay, so ये था बेटा regarding to registration procedure और ये एक okay जो amendments मैंने यहाँ पे ली, okay, तो यहाँ पे हमने जैसा देखा कि जस्ट एक अमेंडमेंट जो हुआ था वो यहाँ पे GSTR 2A का जो पहले 2A में ऑटो अपडेट होता था एंड फिर वो अप्रूव होता था TCS और उसके बाद में वो कैश लेजर में जमा होता था वो उन्होंने रूट बंद कर दिया वो रूट से अब नहीं जाएंगे. और दूसरा बेटा यहाँ पे ओके जो भी TCS काट रहा है तो वो TCS काटते वक्त ध्यान से सुनना ओके अगर उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस वो स्टेट में नहीं होगा तो वो विदाउट फिजिकल प्रेजेंस रजिस्ट्रेशन ले सकता है और कम ऑन विदाउट प्रेजेंस रजिस्ट्रेशन ले सकता है. और नेक्स्ट बेटा यहाँ जो है एड्रेस देते वक्त वो अपना एचओ का जो एड्रेस होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो एड्रेस होगा हो सकता है वो डिफरेंट स्टेट में हो वो भी दे सकता है. वेल तो सेक्शन 12(1)(a) जो हमने पढ़ा ये लास्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस हो गया था ठीक है लास्ट टाइम की अमेंडमेंट से और वो इंट्रोड्यूस हुआ था. इस टाइम उन्होंने क्या किया इस टाइम एक छोटी सी अमेंडमेंट उन्होंने ये की कि ये फैसिलिटी TDS डिडक्टर को भी दे दी यानी पहले सिर्फ TCS वालों को थी नाउ अब इन्होंने TDS डिडक्टर को भी दे दी मतलब जो गवर्नमेंट है ये कुछ याद आ रहा है ना आपको कौन डिडक्ट कर देता है TDS गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज उनको भी ये फैसिलिटी दे दी. मतलब उन्होंने अमेंडमेंट में सिर्फ क्या ऐड किया देखो वेयर अ पर्सन इज अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन to deduct or to collect tax under 51 TDS or 52 TCS may don't have a physical presence he shall mention the name of state in part A of prescribed application and principal place of business okay in part B. in simple word is bar ki amendment ek choti si amendment hui aur wo choti si amendment ye hui beta कि पहले ये फैसिलिटी सिर्फ TCS वालों को थी अब ये फैसिलिटी जो TDS वाले हैं वो भी ले सकते हैं. मतलब दो लोग अब बिना प्रीमाइसेस के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ओके ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ TDS एंड TCS ऐसे स्टेट में भी वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जहां उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है. तो ये फैसिलिटी एक्सटेंड की गई फॉर TDS एंड TCS. आर यू गेटिंग मी ओके सो ये था बेटा रिगार्डिंग टू यहाँ एक छोटी सी अमेंडमेंट जो थी विदाउट फिजिकल प्रेजेंस आपको रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया गया है ओके सो यहाँ हमारा एंड होता है ओके अमेंडमेंट्स ऑन TDS एंड TCS ओके. नाउ बेटा नेक्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन ठीक है तो थोड़ा ये समझ लो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड. सेक्शन 24 में एक अमेंडमेंट जो थी एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52. अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 24 जो है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का है. डू यू रिमेंबर दैट तो सेक्शन 24 जो है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का है. उसमें क्लॉज 10 जो है वो कहता है कि अगर आप ईसी हो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. सो एवरी ईसीओ
हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। अब इसमें अमेंडमेंट क्या थी, पहले सिर्फ इतना ही था एवरी ईसीओ उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, लेकिन ऐड हुआ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। मतलब क्या, मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, कि पहले क्या होता था कि वो ईसीओ टीसीएस डिडक्ट करे या ना करे, आई रिपीट, वो ईसीओ टीसीएस डिडक्ट करे या ना करे। अब आपको याद होगा तो वही ईसीओ टीसीएस डिडक्ट करते हैं, वही ईसीओ टीसीएस डिडक्ट करते हैं जो कंसिडरेशन कलेक्ट करेंगे, और कंसिडरेशन कलेक्ट करने के बाद रिमिट करेंगे। अगर मैं ऐसा ईसीओ कि मैं कंसिडरेशन नहीं ले रहा हूँ, ओके, कंसिडरेशन डायरेक्ट रिसिपियंट से सप्लायर को जा रहा है, ओके, मैं सिर्फ अपने वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहा हूँ तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस, या अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले कर रहा हूँ तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विसेज, ऐसे केस में कंसिडरेशन जो है ओके इन्वॉल्व ही नहीं है। मैं ईसीओ हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरे रिसिपियंट से कोई कलेक्शन तो नहीं है, तो ऐसे केस में मुझे टीसीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या होता था, पुरानी प्रोविजन में इतना लिखा था कि भाई अगर कोई भी ईसीओ होगा तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब तो गड़बड़ होगी बेटा, मैं तो सिर्फ प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज सिर्फ डिस्प्ले में रख रहा हूँ, ओके, मैं तो कोई यहाँ पे, आप समझ रहे हो, तो मैं कोई यहाँ पे टीसीएस डिडक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब टीसीएस नहीं भी डिडक्ट कर रहा होगा तो भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की ओके कंपलसरी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 24 में, लेकिन अब उसको क्लैरिफाई कर दिया गया है, क्लैरिफाई ये कर दिया गया है कि वही ईसीओ, आई रिपीट, वही ईसीओ जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देखो 9.5 के ईसीओ को तो ऑब्वियस लेना पड़ेगा, वो तो स्पेशली कवर्ड है, लेकिन अगर दूसरे ईसीओ होगे और वो टीसीएस डिडक्ट कर रहे होगे तो टीसीएस डिडक्ट कर रहे होगे तो ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई बात समझ में, ओके, तो यहाँ मैंने ये अमेंडमेंट का इम्पैक्ट दिया है। उसके बाद में अ पर्सन हु सप्लाइज द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ओके, जैसा पर्सन हु सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9.5 थ्रू ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। उसमें एक एग्जम्पशन था, और एग्जम्पशन जो है पर्सन मेकिंग द सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर 9.5 ऑफसेट एक्ट थ्रू ईसीओ ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52 ऑफसेट एक्ट एंड हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल ओवर इंडिया बेसिस नॉट एक्सीडिंग अमाउंट 20 लाख First proviso to section 21 of CGST Act with clause 3 explanation to section 22 in a financial year as the category of person exempted from registration under the said act. चलो पहले ये प्रोविजन समझा देता हूँ और फिर उसके बाद में उनका कहना क्या है ये भी बता देता हूँ। जैसे वो क्या कहते हैं, ऐसे ईसीओ जो सेक्शन 52 में टीसीएस डिडक्ट करेंगे, अभी ओके, ईसीओ जो टीसीएस डिडक्ट करेंगे, एग्जांपल लेते हैं अमेज़ॉन, इनके थ्रू जो भी सप्लायर ऑफ गुड्स हो या सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, अगर इनके थ्रू रिसिपिएंट को सप्लाई किया जा रहा है तो इस सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर थ्रेशोल्ड। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर वो ऐसे ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है जो सेक्शन 52 में रजिस्टर्ड है, तो उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नाउ अगर आप बेटेक्स देखते हो सेक्शन का, तो उन्होंने गुड्स और सर्विस दोनों की बात की है, गुड्स और सर्विस दोनों की बात की, लेकिन बाद में जो सर्विसेज दे रहे हैं ईसीओ के थ्रू सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, इन्हें ओके एग्जम्पशन दे दिया, इनको एग्जम्पशन दे दिया गया। आर यू गेटिंग मी? अब एग्जम्पशन क्या दिया गया ध्यान से सुनिएगा,
इनको तो एग्जम्पशन दे दिया। एग्जम्पशन क्या दिया गया, अगर सप्लायर ऑफ सर्विस ईसीओ के थ्रू यहाँ रिसिपिएंट को सप्लाई करते हैं तो वो सेक्शन 22 में दिया गया थ्रेशोल्ड 20 लाख का, वो 20 लाख का थ्रेशोल्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन दे दिया गया। ओके, यानी ये कंपल्शन सिर्फ गुड्स वालों पे किया गया कि अगर कोई सप्लायर ऑफ गुड्स होगा और उसका टर्नओवर क्यों ना 1 लाख 2 लाख 3 लाख होगा और वो किसके थ्रू सप्लाई कर रहा है, ऐसे ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है जो टीसीएस काटने वाले हैं, तो सप्लायर ऑफ गुड्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है लेकिन सप्लायर ऑफ सर्विस को, आई रिपीट, सप्लायर ऑफ सर्विस को कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो अपने 20 लाख का थ्रेशोल्ड जो है वो पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हैं और 20 लाख तक वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई करेंगे। हाँ, वो सिचुएशन में ईसीओ उनका टीसीएस नहीं काटेगा, ओके, पर उसका डिक्लेरेशन सप्लायर को देना पड़ेगा कि भाई वो थ्रेशोल्ड में है तो उसका टीसीएस ईसीओ नहीं काटेगा 20 लाख तक। नाउ बस उसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट ये हुई है कि उन्होंने डाला है 20 लाख एज पर फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 22 सीजीएसटी एक्ट रिव्यू थर्ड एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 22। ये थर्ड एक्सप्लेनेशन मतलब स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, अगर आपका स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो लिमिट 10 लाख ही लगेगी। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो ऐसे केस में आपको जो है कुछ स्टेट में, कुछ स्टेट में मतलब एमएमटी, अगर आपको याद होगा तो यहाँ कुछ स्टेट में जो यहाँ दिया गया, जस्ट मिनट, तो मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड, नागालैंड, तो यहाँ 10 लाख ही लिया जाएगा और अदर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, अदर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट यहाँ पे 20 लाख का लिमिट लगाया जाएगा। ओके, मतलब नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर को 20 लाख, लेकिन अगर आप प्रोविजो पढ़ते हो रीड विद स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो 9-4 ऐसे स्टेट है जहाँ आज भी लिमिट 10 लाख है, तो वो स्टेट्स वाले सर्विस प्रोवाइडर अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, आई रिपीट, वो स्टेट वाले सर्विस प्रोवाइडर अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो 10 लाख लिया जाएगा और अदर स्टेट के जहाँ तक है वो 20 लाख कंसिडर किया जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो अदर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट को 20 लाख लिमिट आ गई है और कि उन्होंने 20 लाख एक्सेप्ट कर लिया है तो वो केस में 20 लाख अप्लाई किया जाएगा। ओके, तो इन सिंपल वर्ड सर्विस प्रोवाइडर को 20 लाख या 10 लाख, अगर उनकी लिमिट 20 लाख होगी तो 20 लाख, अगर लिमिट 10 लाख होगी तो 10 लाख, उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है इवन दो वो ईसीओ यूज़ कर रहे हैं। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट पे बात करते हैं। एक नया रूल, रूल 10A इंट्रोड्यूस किया गया है, फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब आपको बता देता हूं, जब रजिस्ट्रेशन जीएसटी में चालू हुए थे तो रजिस्ट्रेशन जब चालू हुए थे बेटा तो बैंक अकाउंट डिटेल्स देना जरूरी था, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में आपने देखा भी होगा, लेकिन बहुत सी बार बैंक अकाउंट ओपन करने टाइम लग जाता था या वाटर इट में भी, तो गवर्नमेंट ने बाद में ये कर दिया कि चलो ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं भी दिया, कम ऑन, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपने नहीं भी दिया तो भी आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको आरसी दे दी जाएगी। ऐसा गवर्नमेंट ने बाद में चेंज किया भी,
अब नेक्स्ट पॉइंट, अब बाद में गवर्नमेंट ने चेंज करने के बाद, ओके, ये रूल 10A लाया गया, और रूल 10A लाया गया कि चलो अगर हमने आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया होगा विदाउट बैंक डिटेल्स, तो आपको बाद में तो बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी ना, ये समझ में आया? तो वो देखो क्या कहते हैं, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन रजिस्टर्ड अंडर रूल 12 और रूल 16 एज द केस मे बी, सो एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर रूल 12 और 16 एज द केस मे बी विद इन 45 days, अंडरलाइन विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ओके फॉर्म REZ06 और डेट ऑन विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 इज ड्यू टू फर्निश विच एवर इज अर्लियर ठीक है विच एवर इज अर्लियर फर्निश द इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट और एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड ऑन कॉमन पोर्टल इन ऑर्डर टू कंप्लाई विथ एनी अदर प्रोविजन. देखो अब देखिए बेटा, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ. एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन रजिस्टर्ड अंडर रूल 12, अंडर रूल 12 इफ यू वॉन्ट टू राइट देन फॉर 12 रिलेटेड टू TDS एंड TCS एंड रूल 16, रूल 16 सुमोटो रजिस्ट्रेशन, सुमोटो रजिस्ट्रेशन बाय ऑफिसर, बाय ऑफिसर. मतलब अगर आपका रजिस्ट्रेशन TDS TCS का नहीं होगा, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने कंपलसरी नहीं करवाया होगा और आपने रजिस्ट्रेशन लिया होगा विदाउट बैंक डिटेल्स, तो आपको 45 दिन में 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ RC, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया, वहाँ से 45 days में आपको बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी. और डेट ऑन विच रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 इज ड्यू टू बी फर्निश विच एवर इज अर्लियर. लेकिन अगर 45 दिन के पहले आपको यहाँ पे GSTR 3B या 39 का GST रिटर्न जो रहेगा, ओके, तो अगर 45 days के पहले अगर आपकी रिटर्न की डेट आती होगी, तो वो सिचुएशन में आपको वो रिटर्न की डेट तक आपको अपनी बैंक डिटेल्स कॉमन पोर्टल पे फर्निश करनी पड़ेगी. आर यू गेटिंग मी? एक बार फिर से, ये अमेंडमेंट क्या कहती है? ये अमेंडमेंट ये कहती है कि यहाँ पे बिना बैंक डिटेल्स आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पर वो दो लोगों को अलाउड नहीं है. एक, अगर आप TDS और TCS के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, या ऑफिसर सुमोटो रजिस्ट्रेशन कर रहा है. आर यू गेटिंग मी? ऑफिसर सुमोटो रजिस्ट्रेशन कर रहा है. चलो, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया बिना बैंक डिटेल्स का, उसके बाद में आपको ये बैंक डिटेल्स 45 days में, या 45 days फ्रॉम द RC, या फिर आपको ये बैंक डिटेल्स जो है, ओके, अगर आपकी रिटर्न की डेट होगी उसके पहले आपको ये कॉमन पोर्टल पे सबमिट करनी पड़ेगी. सर, अगर नहीं दी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो हमने कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको याद होगा, तो कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन में हमने कुछ प्रोविजंस देखी थी. अगर वो प्रोविजंस आपको याद होगी, वो प्रोविजंस याद होगी, तो सेक्शन 29 में जो कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है बेटा, सेक्शन 29 में, उसमें अलग अलग केसेस दिया गया जहां ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है. उसमें आपने ओके अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप इनवॉइस इशू कर रहे हो बिना सप्लाई के, या 171 की प्रोविजन कॉन्ट्रवेल कर रहे हो, दैट इज एंटी प्रॉफिटिंग मेजर. और उसमें उन्होंने ये डाल दिया कि अगर आपने रूल 10A में, कम ऑन, रूल 10A में अगर आपने 45 दिन में या रिटर्न की डेट के पहले अगर बैंक इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है कैंसल कर देगा. आर यू गेटिंग मी? तो ये करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट उन्होंने की रिगार्डिंग टू कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. आई बात समझ में बेटा आपको? चलिए, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो अमेंडमेंट उन्होंने किया. चलो वापस आ जाओ पहले पेज पे. रूल 41A
ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी, थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ। रूल 41A का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको जैसे पता है कि एक स्टेट में आप एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, समझ लो अब यहाँ पे इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पहले प्रोविजन ऐसी थी कि अगर आपकी महाराष्ट्र में यहाँ पे दो ब्रांचेस है और दोनों एक ही नेचर का बिजनेस है, ट्रेनिंग, ओके, दोनों यहाँ पे ट्रेनिंग सर्विस, वी स्मार्ट एकेडमी की समझ लो महाराष्ट्र में दो ब्रांच है, ओके, और दोनों एक ही नेचर का बिजनेस देते हैं और वो एक ही नेचर बेटा ट्रेनिंग। तो अगर पहले ऐसी प्रोविजन थी कि पूरे स्टेट का आपको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलता था, ओके, जब तक आप ये प्रूव नहीं करते हो कि आपका वो सेपरेट बिजनेस वर्टिकल है, आई बात समझ में? जब तक आप प्रूव नहीं करते हो कि आपका वो सेपरेट बिजनेस वर्टिकल है, तब तक आपको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलता था। अब दोनों जगह अगर मैं ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहा हूँ या सेम नेचर का सप्लाई कर रहा हूँ, सेपरेट बिजनेस वर्टिकल नहीं है तो मुझे एक ही रजिस्ट्रेशन मिलता था। लेकिन ओके, लास्ट ईयर से उन्होंने एक फैसिलिटी लाई, क्या जो आपके लास्ट अटेम्प्ट को भी अप्लीकेबल थी, क्या फैसिलिटी लाई? अब आप ओके, वो सेपरेट नेचर ऑफ बिजनेस हो या सेम नेचर ऑफ बिजनेस हो, आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, चलो अच्छी बात है। अब मुझे करना है तो मैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। बस इसका एक ड्रॉबैक क्या है? इसका ये ड्रॉबैक है कि अगर मैंने यहाँ अलग अलग रजिस्ट्रेशन किया तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो है ओके, मुझे डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और ये स्टॉक ट्रांसफर वगैरह टैक्सेबल हो सकता है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिटवीन दिस टू टैक्सेबल होती है और मुझे दोनों के सेपरेट कंप्लायंसेस करना जरूरी है। लेकिन अब हुआ क्या, पहले मेरा सिंगल रजिस्ट्रेशन था, सिंगल रजिस्ट्रेशन था, फिर मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, सेपरेट रजिस्ट्रेशन में डाल दिया ओके, लास्ट ईयर में। अब बेटा जब मेरा सिंगल रजिस्ट्रेशन था तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दोनों ब्रांचेस का, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दोनों ब्रांचेस का मेरा ITC पड़ा हुआ था 10 लाख रुपए, मेरा ITC पड़ा हुआ था 10 लाख रुपए। लेकिन अब दोनों सेपरेटली रजिस्ट्रेशन होने की वजह से मुझे ये 10 लाख दोनों को बांटना पड़ेगा ओके, ऑब्वियसली मैं जो जब ITC बांटूंगा तो वैल्यू ऑफ असेट, असेट की जो वैल्यू है उसके बेस पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि वैल्यू ऑफ असेट के बेस पे आपको ये दोनों ITC बांटने पड़ेंगे, क्योंकि अब दोनों अलग अलग हो गए, दोनों के रिटर्न अलग, दोनों के ITC अलग, सब कुछ अलग। तो जो रजिस्टर सेपरेट होने के पहले जो ITC था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, अनयूटिलाइज ITC दोनों को बांटना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड 41A आया, देखो क्या कहते हैं, अ पर्सन रजिस्टर पर्सन हु हैज ऑप्टेंड सेपरेट रजिस्ट्रेशन मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 11 एंड who intend to transfer either wholly or partly unutilized ITC lying in electronic credit ledger to any or all of newly registered place of business shall furnish within period of 30 days from obtaining such separate registration a details in ITC 02A electronically on common portal either directly or through yahan pe ITC 02A underline karna either directly or through facilitation center notified in this behalf by commissioner provided that input tax credit shall be transferred to newly inserted entity in the ratio of value of asset held by them at the time of registration. First of all, how you are going to transfer ITC okay in these two units, you are going to transfer in these two units depends on your value of asset you separated, samajh lo do okay, mujhe karna kya padega, mujhe dono unit ki value of asset nikalni padegi और वो असेट जो डिवाइड हुई है वैल्यू ऑफ असेट उसके रेशियो में मुझे उन दोनों को ITC बांटना पड़ेगा ओके। तो पहले एक फैमिली थी, अब डिवाइड होगी तो असेट डिवाइड होगी, डिवाइड असेट डिवाइड होगी तो उसका ITC जो है वो ITC भी यहाँ पे ओके डिवाइड कर दिया जाएगा। और आपको 30 दिन के अंदर ओके, यानी जब कहाँ से 30 दिन बेटा ओके, जब सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 30 दिन के अंदर उसको आपको डिटेल देनी पड़ेगी और वो डिटेल ITC 02A में आपको देनी पड़ेगी। चलो हो गया बड़ा बड़ा अमेंडमेंट, आओगे क्लियर? तो बेटा अमेंडमेंट बस कंसेप्चुअली समझ लो, फटाफट देख लो कि क्या यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए स्पेशली रिलेटेड टू प्रोसीजर। नाउ वैल्यू ऑफ असेट निकालते वक्त उन्होंने ये कहा है कि जब आप वैल्यू ऑफ असेट में ओके इन प्रोपोर्शन डिवाइड करोगे तो वैल्यू ऑफ असेट मीन्स द वैल्यू ऑफ एंटायर असेट ऑफ द बिजनेस वेदर आर नॉट एलिजिबल फॉर ITC। ख्याल रहे
ओके, जब आप वैल्यू ऑफ असेट लोगे तो वैल्यू ऑफ असेट पूरी असेट की वैल्यू लेना पड़ेगा, फिर आपने उसका आईटीसी लिया हो या ना लिया हो। फॉर एग्जांपल कार, कार का आईटीसी आपने नहीं लिया हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का आईटीसी आपने नहीं लिया हो, ओके नहीं भी लिया होगा तभी आपको जब आईटीसी डिवाइड करना हो तो डिवाइड करते वक्त आपको असेट की वैल्यू में वो भी असेट लेनी पड़ेगी। ओके कम ऑन, असेट की वैल्यू में वो भी असेट लेनी पड़ेगी जिसका आपने आईटीसी नहीं लिया हो। मतलब क्या मतलब, आपने आपके पास दो कार थी, एक यूनिट को इधर शिफ्ट कर दी, दूसरे यूनिट में उधर शिफ्ट कर दी, तो वो वैल्यू ऑफ असेट का जब रेशियो निकालोगे तो कार की वैल्यू भी लेना पड़ेगा इवन दो आपने उसका आईटीसी ना लिया हो। यो इमूवेबल प्रॉपर्टी शिफ्ट की होगी तो उसकी भी वैल्यू आपको ओके बायफर्गेट करने के लिए कंसिडर करनी पड़ेगी इवन दो आपने उसका आईटीसी ना लिया हो। आई बात समझ में बेटा? ओके तो ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने दिया कि ट्रांसफरी को वो अनयूटिलाइज आईटीसी, मतलब जो भी नया यूनिट बना है वो नए यूनिट को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे डिटेल्स दी है। उसके बाद में कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको सेक्शन 29 बताया, और सेक्शन 29 में ओके ऑफिसर जब कैंसलेशन करेगा तो उसमें एक ऐड कर दिया उन्होंने, और वो क्या ऐड किया बेटा, वो ऐड किया रूल 10A, और रूल 10A को उन्होंने ऐड यहाँ पे कर दिया कि अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन रूल 10A के तहत नहीं दी तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसल ऑफिसर कर सकता है। चलिए उसके बाद में एक प्रोविजो उन्होंने ऐड की, एज पर प्रोविजो टू सेक्शन 29(2) प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द प्रॉपर ऑफिसर में सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन फॉर सच पीरियड इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। ये प्रोविजो 29(2) में ऐड की गई। ये प्रोविजो क्यों 29(2) में ऐड की गई, लेट्स टेक ए एग्जांपल। ओके यहाँ पे आपने, ठीक है, आपने वॉलेंट्रीली खुद ओके या ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया होगा, व्हाट एवर इट मे बी, आपने खुद ओके कैंसिल कर दिया सेक्शन 29 में रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन यू अप्लाइड फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और ये अप्लाई किया आपने 10 दिसंबर को कि भाई मुझे अब रजिस्ट्रेशन नहीं रखना है जीएसटी में। अब बेटा आपने अप्लाई किया, फिर ऑफिसर चेक करेगा, वेरीफाई करेगा एक्सेट्रा, ओके, और फिर आपको ऑफिसर ऑर्डर देगा, ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, समझ लो वो ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन 15 जनवरी को दे रहा है, 5th of January 2020 को दे रहा है, और आपने 19 में अप्लाई किया कैंसलेशन के लिए। अब उसने ऑर्डर तो दी, तो आप एक्चुअली देखा जाए तो अनरजिस्टर उस दिन से हुए जिस दिन आपको ऑर्डर मिला फॉर कैंसलेशन। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि ये पीरियड में आप थे तो रजिस्टर्ड ही, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ था। तो जिस दिन अप्लाई किया गया, ओके कम ऑन, जिस दिन अप्लाई किया गया वो अप्लाई के करने के दिन से लेकर जिस दिन ऑर्डर मिलेगा वो ऑर्डर के दिन तक ओके क्या करे, क्योंकि हमारा स्टेटस तो रजिस्टर्ड ही रहेगा क्योंकि ऑफिसर ने अभी तक कैंसलेशन ऑर्डर नहीं दी थी, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू था। आर यू गेटिंग मी, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू था। तो अब ये पीरियड में अगर मैं रजिस्टर्ड दूंगा तो जब तक मैं रजिस्टर्ड हूं, क्योंकि जीएसटी का एक स्पेशल फीचर है, क्या स्पेशल फीचर है, जब तक मैं रजिस्टर्ड हूं, आप सुन रहे हो, जब तक मैं रजिस्टर्ड हूँ ओके तब तक जो है मुझे रिटर्न्स देने जरूरी होते हैं, कंप्लायंस करने जरूरी होते हैं, GSTR 1 या आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट जो भी होगा ओके या ओके रिटर्न 3 और 3B जो भी होगा हमें देना जरूरी हो जाता है। अब मेरा क्या कहना है, मैं क्यों ये सब कंप्लायंसेस करूँ, मैंने तो अप्लाई कर दिया था ना 10 दिसंबर को, अब ऑफिसर जो लेट कर रहा है तो ये पीरियड में मैं क्यों कंप्लायंसेस करूँ, मेरा एक सवाल, सिंपल सवाल आपसे है कि मैं क्यों करूँ कंप्लायंसेस। तो गवर्नमेंट कहती बात तो सही है भाई, तूने तो अप्लाई कर दिया था, हमारा ऑफिसर कैंसलेशन के लिए टाइम ले रहा है या हमारा ऑफिसर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो ओके तुझे आगे के कंप्लायंसेस नहीं आने चाहिए। इसलिए नाउ सेक्शन 29 में ओके स्पेशल प्रोविजो लाई गई, और प्रोविजो लाई गई सस्पेंशन की, मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने कैंसिल करने के बाद जब तक आपका ऑर्डर नहीं आता है ये पीरियड में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड माना जाएगा। थैंक गॉड, ये पीरियड में जैसे ही सस्पेंडेड माना गया, सुनिए बात, ये पीरियड में जैसे ही सस्पेंडेड माना गया
तो अब इससे मुझे एक दिलासा मिल गया, क्या कि अब मुझे कंप्लायंस नहीं करने पड़ेंगे। ओके, इवन दो मैं रजिस्टर्ड हूं पर सस्पेंडेड रजिस्टर्ड हूं, मुझे ये पीरियड के कंप्लायंसेस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यही बात समझ में? तो ये पीरियड में मैं सस्पेंड माना जाऊंगा। देखो क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द प्रॉपर ऑफिसर में सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन फॉर सच पीरियड इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो वो सस्पेंड हो जाएगा और ये जो है सस्पेंशन होने की वजह से मुझे कोई कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छी बात है, कोई मुझे कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सस्पेंशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर ऑफिसर। ओके, सस्पेंशन की प्रोसीजर रूल 21 में दी गई थी और ये 21 रूल जो है लास्ट अटेम्प्ट में भी अप्लीकेबल था और 21 ए में जो ये प्रोसीजर दी गई थी रिलेटेड टू सस्पेंशन बाय नोटिफिकेशन 29 जनवरी 2019 में, उसमें कुछ थोड़ी अमेंडमेंट्स की है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो कौन सी अमेंडमेंट की है देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पढ़ता हूँ। पहला, ये 21 ए पूरा टेक्स्ट यहाँ पढ़ूंगा और इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स भी आपको बताऊंगा। देखिए, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइज फॉर कैंसलेशन, मैंने तो कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 20, द रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ओके थैंक्स, कि क्या जिस दिन मैंने अप्लाई कर दिया उस दिन ये मान लिया जाएगा कि मेरा अब रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन में चले गया, और डेट फ्रॉम विच कैंसलेशन इज सॉट विच एवर इज लेटर। हाँ, अब डेट फ्रॉम विच कैंसलेशन इज सॉट मत का मतलब क्या, अब ये नया वर्ड डाल दिया गया। अब क्या हुआ, एक टेक्निकल डिफेक्ट है, आज मैं कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ पर कैंसलेशन के एप्लीकेशन में मैं डेट दे रहा हूँ। ओके, कि भाई मैं जैसा, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि मैंने अप्लाई किया बेटा, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ। मैंने अप्लाई किया 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने डेट दी 10 दिसंबर कि मैं ये कैंसलेशन 10 दिसंबर से करना चाहता हूँ। कब से करना चाहता हूँ बेटा, 10 दिसंबर से कैंसलेशन करना चाहता हूँ, यानी ओके आई वॉन्ट टू सॉर्ट दैट कैंसलेशन फ्रॉम 10 दिसंबर, कैंसलेशन 10 दिसंबर से करना चाहता हूँ। मतलब अप्लीकेशन मैं 1 दिसंबर का दे रहा हूँ लेकिन कैंसलेशन मैं 10 दिसंबर से करना चाहता हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में मेरा सस्पेंशन 10th दिसंबर से माना जाएगा एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आर यू गेटिंग मी? नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मेरा सस्पेंशन 10th दिसंबर से माना जाएगा। तो अगर मैंने उसमें कोई डेट नहीं दी होगी तो जिस दिन मैंने एप्लीकेशन दिया उसी दिन मेरा सस्पेंशन माना जाएगा, और अगर उसमें मैंने कोई डेट दी होगी तो मेरा सस्पेंशन उस दिन से माना जाएगा जिस दिन मैंने कैंसलेशन के लिए डेट डाली है। ओके, पेंडिंग द कंप्लीशन प्रोसीडिंग फॉर कैंसलेशन। चलो, आया पहला पॉइंट समझ में आपके? चलिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्रोसीडिंग फॉर कैंसलेशन इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट द प्रॉपर ऑफिसर में आफ्टर गिविंग हियरिंग सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट एज डिटरमाइंड बाय हिम। अब देखो पहला सब रूल क्या कहता है कि मैंने अप्लाई किया फॉर कैंसलेशन, इमीडिएट कैंसलेशन तो होता नहीं है, मैंने अप्लाई किया फॉर कैंसलेशन, ऑफिसर अपना टाइम लेगा तब तक मेरा रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंशन में रहेगा। दूसरा सब रूल क्या कहता है, दूसरा सब रूल ये कहता है कि चलो मैंने नहीं अप्लाई किया, ऑफिसर ने मुझे कैंसलेशन, ऑफिसर प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहा है कैंसलेशन की क्योंकि मैंने कुछ कॉन्ट्रावेंशन कर दिए। ओके, सेक्शन 29 के, इसलिए ऑफिसर प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहा है तो ऑफिसर भी इमीडिएट कैंसिल नहीं करता है। ओके, वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देता है। ओके, तब तक आपका जो है सस्पेंड किया जाएगा जब तक उसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं होती है। नाउ अब नेक्स्ट क्या कहता है, सच पर्सन शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो क्या कहते हैं, जब आप सस्पेंशन पीरियड में हो तब तक आप कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करोगे सस्पेंशन, एंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनी रिटर्न। बहुत अच्छी बात है, आपको रिटर्न देने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो क्या हुआ, थोड़ा मैं आपको ये बात समझा देता हूँ। समझ लो आपने अप्लाई किया, अप्लाइड फॉर कैंसलेशन, अप्लाइड फॉर कैंसलेशन, आपने अप्लाई किया 10 दिसंबर को और आपका कैंसलेशन ऑर्डर है 15 जनवरी का, 15 जनवरी का 2020।
ध्यान से सुनना है प्रोविजन, कैंसलेशन ऑर्डर, सॉरी मैं ये कहूंगा ऑर्डर बाय ऑफिसर, ठीक है। अब ये पीरियड में आपका, ये पीरियड में आपका रजिस्ट्रेशन जो रहेगा वो सस्पेंशन में रहेगा। हाँ, अब सस्पेंशन में रहेगा मतलब क्या, ओके, कि ये पीरियड में आपको कंप्लायंसेस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल है, क्या सवाल है, ये पीरियड में क्या मैं सप्लाई करना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ सप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या मैं ये सप्लाई कर सकता हूँ? तो पहले प्रोविजन ये थी कि नहीं, आप ये पीरियड में सप्लाई भी नहीं कर सकते और टैक्स इनवॉइस भी नहीं दे सकते ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। आप रजिस्टर्ड हो लेकिन जो है आप सप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी सेल, बार्टर, एक्शन, लीज, रेंटल, डिस्पोजल या कोई भी सर्विस नहीं दे सकते और आप टैक्स इनवॉइस भी नहीं दे सकते। चलो आपकी बात मान ली, नहीं करेंगे क्योंकि सस्पेंशन में है, इसलिए हम ऐसा कोई भी सप्लाई नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग मी? अब दूसरा सवाल क्या है बेटा, यहाँ पे दूसरा सवाल ये है कि मैं सप्लाई नहीं करूँगा, टैक्स इनवॉइस भी नहीं दूंगा, लेकिन बाद में ऑफिसर ने मेरा कैंसलेशन एप्लीकेशन, कैंसलेशन जो एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन जो दिया था, वो दो बातें हो सकती है, वो रिवोक कर ले या फिर वो कैंसिल कर दे, कैंसिल कर दे बाय ऑर्डर। अब कैंसिल कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो कैंसिल कर दे तो दिक्कत नहीं है, पर वो रिवोक कर ले कैंसलेशन, वो कहेगा नहीं नहीं मैं कैंसिल करता नहीं हूँ, वो रिवोक कर ले कि जब नहीं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं है। अगर उसने रिवोक कर लिया, आई रिपीट, अगर उसने रिवोक कर लिया तो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि आपने मुझे सप्लाई करने नहीं दिया वो पीरियड में और कैंसिल भी नहीं हुआ, मेरा तो नुकसान कर दिया, आपका भी नुकसान हो गया, मेरा भी नुकसान कर दिया गया, मुझे रोक के रखा गया, अब आप मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर भी नहीं रहे, अब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रहे तो वो पीरियड का मैंने सप्लाई भी खो दिया और वो पीरियड का मुझे रजिस्ट्रेशन भी देना है, वो पीरियड के मुझे रिटर्न भी देना है ड्यूरिंग दिस सस्पेंशन पीरियड, मुझे सब कंप्लायंस भी करना है। ये क्या बात हुई कि रोक के रखा था, वो पीरियड में हमने कोई कंप्लायंस किए भी नहीं क्योंकि सस्पेंशन में था, फिर हमारा सस्पेंशन जो है ओके आपने रिवोक कर लिया, आपने कहा कि नहीं ओके आपका कैंसिल नहीं किया जाएगा, फिर हमारे लिए तो दिक्कत कर दी कि नुकसान भी कर दिया सप्लाई का और अबे हम कंप्लायंसेस भी आपको हमें करने पड़ रहे। गवर्नमेंट ने कहा हाँ बात तो सही है कि नुकसान भी होगा और कंप्लायंस भी करने पड़ रहे, तो गवर्नमेंट ने एक ओके यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन लाया और वो एक्सप्लेनेशन क्या लाया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये लाया, For the purpose of this sub-rule, the expression shall not make a taxable supply shall mean that registered person shall not issue tax invoice accordingly and not charge tax on supplies made by him during the period of suspension. हाँ, ये explanation क्या कहता है, ये explanation ये कहता है कि चलो हम आपको amend करके देते हैं, shall not make taxable supply का मतलब taxable supply का मतलब ये हुआ कि आप cannot issue tax invoice और and cannot collect tax। मतलब क्या बेटा, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको ये डायग्राम निकालना होगा तो एक पेज पे निकाल पे यहाँ चिपका देना तो बाद में आपको याद आ जाएगी, ठीक है। कैनॉट कलेक्ट टैक्स मतलब क्या हुआ कि आप सप्लाई तो कर सकते हो, अमेंडमेंट देखो क्या हुई, ये एक्सप्लेनेशन क्या ऐड हुआ, ये एक्सप्लेनेशन अब ये ऐड हुआ कि आप सप्लाई कर सकते हो, कम ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड आप सप्लाई तो कर सकते हो लेकिन इनवॉइस मत देना, है ना, गवर्नमेंट ने आपके बारे में सोचा, क्योंकि पहले क्या था आप सप्लाई नहीं कर सकते थे, फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, एक्सप्लेन किया कि नहीं 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 आप सप्लाई करो, आपको जो सप्लाई करना है सप्लाई करो, यानी ओके गुड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स कैन बी सप्लाइड, गुड्स और सर्विसेस कैन बी सप्लाइड बट ओके वो यहाँ पे
टैक्स इनवॉइस मत देना और टैक्स कलेक्ट मत करना। आप इनवॉइस सप्लाई करो, माल बेचो, सर्विसेज दो, पर इनवॉइस मत दो। ओके, ये पीरियड में मतलब हम आपका नुकसान नहीं करेंगे, आपके कस्टमर जा रहे हैं ओके, क्योंकि हम अगर आपको रोक देंगे तो कल आप चिल्लाओगे हमारे पे, तो ठीक है आप गुड्स को बेचो, और गुड्स को बेचने के बाद आप बस इतना करना कि इनवॉइस टैक्स इनवॉइस मत देना और कलेक्ट मत करना ओके, और कोई रिटर्न वगैरह भी सबमिट मत करना, कोई रिटर्न या कोई प्रोसीडिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या, फिर ऐसे पीरियड में अब आगे देखो वो क्या कहते हैं, द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर वन और टू शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक एंड अपॉन कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग बाय प्रॉपर ऑफिसर अंडर रूल 22 एंड रिवोकेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच सस्पेंशन हैड कम इन टू इफेक्ट। मतलब आपका जो सस्पेंशन दिया गया वो सस्पेंशन जो है वो रिवोक कर दिया, समझ लो ऑफिसर ने। अब रिवोक कर दिया मतलब क्या बेटा, जनरली आपने खुद ने अप्लाई किया होगा तो वो रिवोक नहीं होगा, पर अगर ऑफिसर ने फोर्सफुली आपका कैंसिल किया होगा, ऑफिसर इनिशिएटेड द प्रोसीडिंग अंडर सब रूल 2, ऑफिसर ने प्रोसीडिंग इनिशिएट की, आर यू गेटिंग मी, और ऑफिसर ने प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के बाद, ध्यान से सुनना, ऑफिसर ने प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के बाद वो सस्पेंशन में रहा, अब सस्पेंशन में रहा तो ना आप सप्लाई कर सके ओके और कुछ नहीं कर सके, तो फिर एक एक्सप्लेनेशन आया कि ठीक है ऑफिसर ने जबरदस्ती की हुई है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सप्लाई तो करो पर टैक्स इनवॉइस मत देना और टैक्स कलेक्शन भी मत करना ओके ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। लेकिन बाद में आपका रिवोक कर लिया गया, मतलब आपका ओके जो सस्पेंशन था वो विड्रॉ कर लिया गया और आपका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर दिया गया, आपका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर दिया गया, तो आपका इफेक्टिव डेट उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन सस्पेंशन दिया गया, तो आपको सस्पेंशन दिया गया था 10 दिसंबर से, तो आप इफेक्टिव डेट 10 दिसंबर से माने जाएंगे। ओ थ्री, अगर अब यहाँ पे मेरा सस्पेंशन रिवोक हो गया, सस्पेंशन रिवोक हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू हो गया, मेरी बात सुन रहे हो, मेरा सस्पेंशन रिवोक हो गया और रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू हो गया, रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू हो गया तो अब मैं वापस से रजिस्टर्ड पर्सन उसी दिन से मान लिया जाऊंगा जिस दिन सस्पेंशन मिला। अब गड़बड़ क्या होगी, गड़बड़ होगी कि मुझे क्या होगा करना पड़ेगा, मुझे अब पूरे टैक्स इनवॉइस देने पड़ेंगे, सबके रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे ओके, उसके बाद में उसके जीएसटी देना पड़ेगा। चलो जीएसटी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी कंप्लायंसेस तो करने पड़ेंगे। तो नहीं, उन्होंने आप आगे देखो क्या कहा, उन्होंने ये कहा, वेयर एनी ऑर्डर हैविंग इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, अगर आपको ऑर्डर आ गई और रिवोकेशन की ऑर्डर आई, कैंसलेशन की नहीं, रिवोकेशन की ऑर्डर आई, अब रजिस्ट्रेशन हैज बीन पास, द प्रोविजन ऑफ 33(1)(a) मतलब रिवाइज इनवॉइस, लिख दो यहां पे रिवाइज इनवॉइस, रिवाइज इनवॉइस, और सेक्शन 40 यानी फर्स्ट रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एंड प्रोसीजर्स स्पेसिफाइड देयर इन शैल अप्लाई। मतलब क्या, बहुत अच्छा दिया। अब उन्होंने क्या कहा कि ठीक है हम आपका सस्पेंशन तो विड्रॉ उसी दिन से मान लेंगे जिस दिन आपको सस्पेंशन दिया, क्योंकि आपका सस्पेंशन रिवोक हो गया, आपको वापस बहाल कर दिया गया आपका रजिस्ट्रेशन, चलो कोई दिक्कत नहीं हमारा रजिस्ट्रेशन वापस बहाल हो जाए, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन अगर हमने सप्लाई किए होंगे, आई रिपीट हमने सप्लाई किए होंगे, तो आप क्या करें, क्या सबके रिटर्न फाइल करें? नहीं, गवर्नमेंट कहती है कोई ज़रूरत नहीं सबके रिटर्न फाइल करने की ओके, जिस दिन आपको रिवोकेशन ऑर्डर आ गया ओके, आपको रिवोकेशन ऑर्डर आ गया, आपका आपको वापस बहाल कर दिया गया, रिवोकेशन ऑर्डर आ गया, तो रिवोकेशन ऑर्डर आने के बाद इसके आगे, ध्यान से सुनना, इसके आगे तो जो भी सप्लाई आपने सस्पेंशन पीरियड में किया होगा उसका ओके रिवाइज इनवॉइस, यानी कौन सा सेक्शन था बेटा ओके 31(3)(a) 31(3)(a) के तहत आपको रिवाइज इनवॉइस देने पड़ेंगे, और रिवाइज इनवॉइस आपको याद आ रहा है रिवाइज इनवॉइस ओके, जो पीरियड में आप अनरजिस्टर्ड होते हो वो पीरियड में अगर आपने सप्लाई कर दिया और रजिस्ट्रेशन आने के बाद आपको आप पुराने रिवाइज इनवॉइस देते हो, आर यू गेटिंग मी, अगर आपको याद नहीं होगा तो इमीडिएट जाके प्रोविजन पढ़ो पहले रिवाइज इनवॉइस की और बाद में ये कंसेप्ट सुनना, तो ऐसे सिचुएशन में एग्जैक्टली वही प्रोसीजर ली गई ओके, आपको याद होगा तो जब से मैं लायबल हुआ, कुछ याद होगा तो जब से मैं लायबल हुआ टिल द डेट ऑफ आरसी,
जब से मैं लायबल हुआ टिल द डेट ऑफ आरसी, अगर मैंने कोई सप्लाई किया होगा तो उसकी रिवाइज इनवॉइस आरसी आने के बाद एक महीने के अंदर देने पड़ते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहां अप्लाई होगी कि ड्यूरिंग सस्पेंशन मैंने कोई भी सप्लाई किया होगा, कब ड्यूरिंग सस्पेंशन मैंने कोई भी सप्लाई किया होगा तो अब पुराना कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, वो सस्पेंशन पीरियड का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, बस एक काम करना कि जैसे ही आपका रिवोकेशन आ गया उसके बाद आप जो भी सप्लाई किए हो लास्ट पीरियड में उसके रिवाइज इनवॉइस इशू कर देना। और सेक्शन 40 है फर्स्ट रिटर्न। ओके, तो फर्स्ट रिटर्न, तो अब फर्स्ट रिटर्न यानी क्या, मतलब यहां पे जैसा सेक्शन 40 का फर्स्ट रिटर्न का कंसेप्ट आपको याद होगा तो वो ये कह रहे हैं कि अब रिवोकेशन के बाद जो पहला रिटर्न आएगा, रिवोकेशन के बाद जो पहला रिटर्न आएगा वो पहले रिटर्न में ये पूरे सप्लाई बता देना। आई रिपीट, रिवोकेशन के बाद जो पहला रिटर्न आएगा वो पहले रिटर्न में आपको ये सब डिटेल्स दे देनी है। मतलब ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड आपको रिटर्न नहीं फाइल करने हैं। आई रिपीट, ड्यूरिंग दिस सस्पेंशन पीरियड आपको रिटर्न नहीं फाइल करने हैं। ओके, आप जो भी सप्लाई आपने किए हैं वो आप जो भी पहला रिटर्न फाइल करोगे रिवोकेशन के बाद, ओके, वो पहले रिटर्न में आपको पूरी डिटेल्स दे देनी है। तो ये था बेटा, ओके, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स एक बार फिर से समझ लो। अगर आपने सस्पेंशन, आपने कैंसलेशन की अप्लाई किया है या ऑफिसर ने प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी तो इमीडिएट आपको सस्पेंशन मिल जाएगा। सस्पेंशन के बाद आप सप्लाई तो कर सकते हो पर टैक्स इनवॉइस और आप रिटर्न नहीं दोगे और टैक्स भी कलेक्ट नहीं करोगे। फिर ऑफिसर की ऑर्डर आएगी, ऑफिसर ने अगर आपका कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन, ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपका रिवोक कर दिया मतलब आपका सस्पेंशन जो था वो आपको आपका रजिस्ट्रेशन वापस बहाल कर दिया मतलब वापस दे दिया। अब वापस दे दिया तो आप क्या करें ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड का, तो ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड का आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी सप्लाई आपने सस्पेंशन पीरियड में किए होंगे वो सप्लाई के इनवॉइसेस जो है वो इनवॉइसेस आप जो है बाद में दे सकते हो अंडर द कंसेप्ट ऑफ रिवाइज इनवॉइस। डू यू रिमेंबर, तो पहले आपका कमर्शियल इनवॉइस गया होगा, टैक्स इनवॉइस नहीं गया होगा, कमर्शियल इनवॉइस गया होगा और उसके बाद में आप रिवाइज इनवॉइस वो पीरियड के वापस दे सकते हो। उसके बाद में बेटा सेक्शन 40 और ये पीरियड के रिटर्न आपको अलग से फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पीरियड का जो भी डिटेल्स होगा तो रिवोकेशन के बाद वापस रजिस्ट्रेशन बहाल होने के बाद जो भी आपका यहाँ पे पहला रिटर्न जाएगा पहले रिटर्न में आपको सभी डिटेल्स देना पड़ेगा। तो ये हमने पूरा प्रोसीजर देखा। नेक्स्ट पेज पे आओ बेटा, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है। पेंडिंग रिटर्न टू बी फाइल बिफोर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रूल 23 देखो। रूल 23 ऑफ सीजीएसटी रूल्स प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फर्स्ट प्रोविजर। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे सर्कुलर दिया गया है तो ये सर्कुलर मैं रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्या सर्कुलर कहता है। रूल 23 प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। First proviso to section 23(1) provide that if registration has been cancelled on account of failure of registered person to furnish return, specially आपका cancellation जो हुआ वो सिर्फ आपने 6 महीने के continuous return नहीं दिए, एक provision है section 29 में, अगर आपने 6 महीने के continuous return नहीं दिए और composition scheme होगी तो 2 return नहीं दिए तो ऐसे situation में आपका registration cancel हो सकता है और वो cancel हो गया क्योंकि आपने return नहीं दिए। No application for revocation of cancellation of registration shall be filed unless such return are furnished and any amount in terms of such return is paid. मतलब क्या, तो अगर आपने रिटर्न न देने के वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आपको वापस से रजिस्ट्रेशन बहाल नहीं किया जाएगा, रिवोकेशन नहीं दिया जाएगा जब तक आप अपने पुराने रिटर्न फाइल नहीं करते हो। तो आपको पुराने रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे उसके बाद में ही आपको बहाल किया जाएगा। तो बेटा ये स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि आपका कैंसलेशन इसलिए हो गया था, यहाँ सस्पेंशन नहीं यहाँ कैंसलेशन हो गया था क्योंकि आपने रिटर्न नहीं दिए, तो पहले पुराने रिटर्न कंप्लीट करो और फिर बाद में आपको बहाल किया जाएगा। टू न्यूली इंसर्टेड प्रोविजो प्रोवाइड एज फॉलोज ऑल रिटर्न्स ड्यू टू द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन
टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी फर्निश्ड बाय सेड पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं देखो, जैसे आपने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर ये 6 महीने की रिटर्न नहीं दिए, 6 महीने की रिटर्न नहीं दिए, इसलिए फर्स्ट अक्टूबर को ऑफिसर ने कैंसलेशन ऑर्डर दे दी, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑर्डर आ गई आपकी, ये ऑर्डर आ गई बेटा। अब आप डर गए कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं दिए, आपने अप्लाई किया कि भाई मुझे बहाल करो वापस। ऑफिसर अब कैंसलेशन ऑर्डर से लेके तो फिर अक्टूबर हुआ, नवंबर हुआ, दिसंबर हुआ, सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर ऑफिसर ने आपकी ओके, तो ऑफिसर क्या कहेगा अब वो देखो क्या कहते हैं। हाँ, अब ऑफिसर क्या कहेगा, ऑफिसर कहेगा कि तुझे अगर रिवोकेशन चाहिए तो वो केस में पहले छः महीने की रिटर्न पूरे करने के बाद क्योंकि तूने नहीं दिए, तो वो रिटर्न पूरे करने के बाद 6 महीना हो गया 8 महीना हो गया 10 महीना हो गया वॉटर इट में भी वो पूरे करने के बाद रिवोकेशन दूंगा। ओके, तो तुम्हें रिवोकेशन दिया गया क्योंकि तुमने अप्रैल से लेके सितंबर के रिटर्न दे दिए, इसलिए 31 दिसंबर को ओके रिवोकेशन मिल गया, बहाल हो गया वापस रजिस्ट्रेशन। अब रिवोकेशन 31 दिसंबर को मिलने के बाद अब ये जो 3 महीने की रिटर्न है, कौन से 3 महीने की रिटर्न, जिस दिन ऑर्डर कैंसलेशन हुआ टिल द डेट ऑफ रिटर्न, तो ये 3 महीने की रिटर्न अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये भी तुझे अगले 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करने पड़ेंगे। तो अगले 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर फाइल करने पड़ेंगे, यानी ये 6 महीने के रिटर्न या उससे ज़्यादा पीरियड होगा वो होने के बाद रिवोकेशन मिलेगा, और वो रिवोकेशन मिलने के बाद ओके ये 3 महीने के रिटर्न ओके ये 3 महीने के रिटर्न 30 डेज में फाइल करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग मी, तो ये 3 महीने के रिटर्न 30 डेज में फाइल करने पड़ेंगे ओके फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। नाउ नेक्स्ट, हाउएवर वेयर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश ऑल द रिटर्न रिलेटिंग टू अ पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन विद इन 30 डेज। मतलब क्या, अब ऑफिसर कभी कभी क्या हो सकता है, ऑफिसर ने तुम्हारा रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर को कैंसिल किया, हो सकता है कि कैंसिल करते वक्त रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ले, वो कह दे कि नहीं नहीं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ऑर्डर आज हम दे रहे हैं लेकिन कैंसलेशन अगस्त से ही माना जाएगा, कैंसलेशन अगस्त से ही माना जाएगा। तो फिर आपको जिस दिन से कैंसलेशन माना गया वहां से डेट ऑफ रिवोकेशन के सभी रिटर्न सबमिट करने पड़ेंगे विद इन 30 डेज। आर यू गेटिंग मी, विद इन 30 डेज। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू दिस प्रोसीजर। फ्रॉम द कंबाइंड रीडिंग ऑफ अफोरसेड प्रोविजन इट कैन बी इन्फर्ड दैट वेयर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल विद इफेक्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कैंसल ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स ड्यू टिल द डेट ऑफ कैंसलेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बिफोर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन। हाँ, मतलब ये हमें समझ में आता है पूरा पढ़ने के बाद कि सबसे पहली स्टेप, आपने जो भी पीरियड के कैंसलेशन होने के पहले जो 6 महीना 7 महीना 8 महीना वो पीरियड की रिटर्न नहीं दिए होगे तो पहले वो रिटर्न सबमिट करो, फिर एप्लीकेशन करो फॉर रिवोकेशन कि ओके आपकी बहाली के लिए आपको बहाल किया जाएगा, उसके लिए एप्लीकेशन करो पर पहले पुराने रिटर्न कंप्लीट करो। एंड ऑल रिटर्न्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन टिल द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसल हैज बीन फर्निश्ड विद इन 30 डेज। फिर जिस दिन से कैंसल किया गया टिल द डेट ऑफ रिवोकेशन ये पीरियड की रिटर्न आपको अगले 30 दिन में भरना है। तो ये दो स्टेप में आपको काम करना है। However, where registration has been cancelled with retrospective effect, application of revocation of cancellation of registration can be filed subject to condition that all returns relating to period from the effective date of cancellation of registration till the date of revocation of cancellation of registration shall be filed within 30 days. ठीक है, तो अगर पुराने retrospective date से लिया होगा तो उसके पहले की return
और ड्यूरिंग द कैंसलेशन वो रिटर्न भी आपको फाइल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बेटा, वेदर ट्रांसफर चेंज इन ओनरशिप ऑफ बिजनेस टू इंक्लूड ट्रांसफर और चेंज इन ओनरशिप बिजनेस ड्यू टू डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। यस, एक क्लैरिफिकेशन था कि आपका बिजनेस ट्रांसफर हो जाए तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या डेथ होना और लीगल हेयर को ट्रांसफर होना क्या ये भी ट्रांसफर माना जाएगा? यस, ये भी ट्रांसफर माना जाएगा और ट्रांसफरी को, लीगल हेयर को नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ एसईजेड यूनिट्स, सॉरी पहले वाला प्रोविजन पढ़ लेता हूं। सेक्शन 29(1)(a) ऑफ सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड दैट रीजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। सिमिलरली यूनिफॉर्मिटी एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22(3) ऑल्सो इट क्लैरिफाइड दैट ट्रांसफर और चेंज इन द ओनरशिप ऑफ बिजनेस अंडर द सेक्शन विल इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बिजनेस ड्यू टू डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो ये केस में भी आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ एसईजेड यूनिट एज पर प्रोविजो टू सेक्शन 25(1) provided that person having units as defined in SEZ Act in a special economic zone shall have to apply for separate registration as a distinct from his place of business located outside the special economic zone in the same state or union territory. थोड़ा ये समझ लो। ओके, ये प्रोविजन ये थी कि अगर जैसे मुंबई में SEZ है और हमारा एक यूनिट SEZ में है और एक यूनिट पुणे में है, अब दोनों यूनिट महाराष्ट्र में, बट एक यूनिट एसईजेड में है और एक यूनिट लोकल एरिया में है, तो क्या मैं दोनों का सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? क्यों? क्योंकि दोनों यूनिट महाराष्ट्र में है। अगर दोनों यूनिट महाराष्ट्र में है तो क्या मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? आंसर इज नो। ओके, मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता हूँ। जो यूनिट एसईजेड में है उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई रिपीट, जो यूनिट एसईजेड में है उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन मुझे लेना पड़ेगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन एसईजेड। तो बेटा यहां हमने ये अमेंडमेंट्स कंप्लीट किया। ओके, सो नेक्स्ट ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो अमेंडमेंट का आपको एक दो दिन में आ जाएगा। वीडियो 3 आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि सर कितने लेक्चर्स है, तो टोटल 4 ही लेक्चर्स हो गए अमेंडमेंट्स के। आज का जो था वो सेकेंड नंबर का था, थर्ड और फोर्थ, ऐसे 4 लेक्चर्स ही हो गए फॉर अमेंडमेंट्स, जिसमें सभी अमेंडमेंट्स आपकी कवर हो जाएगी। और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इन दिस वीक मैं आपको सभी अमेंडमेंट्स अपलोड करके दे दूँ। ओके, जिसकी नोट्स मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, पर सभी अमेंडमेंट्स इंक्लूडिंग कस्टम्स एंड FTP आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए बेटा। ओके, चलो यहाँ रखो।